एंड श्योरली वी विल बी आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करण दीक्षित भाई, आप अपने को थोड़ा सा यू नो क्या बोलते हैं उसको बताओ, जो भी आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, कि आपने कैसे अपनी फुटबॉलिंग जर्नी स्टार्ट की एंड हाउ वाज यू नो हाउ वाज द स्टार्ट, कि कैसे स्टार्ट हुआ यू नो ये जर्नी का एंड व्हाट वाज द ऑब्स्टेकल्स यू फेस एंड स्टफ लाइक दैट. या मैं बचपन से ही, मैं जब 6 साल का था जब से ही मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ. एंड देन स्टार्टिंग से ही मैं मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था, तो प्रॉब्लम बहुत होता था. एंड देन मैं 6th क्लास में ऐसे ही खेलता था कि सब दोस्त बोल रहे थे कि फिटनेस के लिए फुटबॉल अच्छा होता है, या तो मैं बोला हाँ चलो खेल के देखते अपन. और देन स्कूल भी उस टाइम आपको पता ही है, पहले इतना कुछ खास हुआ नहीं करता जो स्पोर्ट्स में सपोर्ट करे. या एंड देन मैंने खेलना स्टार्ट करा. एंड देन मैंने जब मैं कितने 8 साल का था, जब मैंने अपना फर्स्ट इंटर स्कूल खेला, मैं इंदौर पब्लिक स्कूल से पास आउट हूँ, इंदौर में ही है, मध्य प्रदेश का टॉप स्कूल ही है. एंड देन इंटर स्कूल खेला मैंने उनके स्कूल से, उन्होंने खिलाया मुझे. एंड देन वहां से डिजायर आया कि नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम सुनील छेत्री का नाम सुना था कि वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर इन इंडिया. तो एक डिजायर नहीं होता मन में कि नहीं यार अपने को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करके एक डिग्री लेके नौकरी तो सबको करना ही है. सबको इफ अगर करना आप है. कुछ नहीं कर सकते आप लाइफ में, तो नौकरी तो सेकेंड ऑप्शन सेकेंडरी सबके पास रहता ही है. देन मैं जब 12 साल का हुआ, तो मैंने अपना घर छोड़ दिया था कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए, क्योंकि मैं बेसिक्स मुझे नहीं आते थे. कोच अच्छा का घर था महू में, मतलब मैं इंदौर का हूँ, कोच का घर था महू में, तो वो हाँ बोलते थे कि हाँ इतना अप डाउन कैसे करेगा. और मैं ऊपर से मिडिल क्लास फैमिली का, तो ना साइकिल थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं था मेरे पास. तो देन ऐसा था, 1 महीना उनके यहाँ रह रहा हूँ, तो 1 महीना यहाँ रह रहा हूँ. बट उनसे भी कुछ मेरे को इतना वो मिला नहीं, क्योंकि वो खुद एक अनसक्सेसफुल करियर था उनका फुटबॉल में, बिकॉज ऑफ उनको इंजरीज हुई था, उनका स्लिप डिस्क डैमेज हो गया था प्रॉपर, अरे बाप जो रे. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फुटबॉल के लिए. ऑफ कोर्स. अगर फुटबॉल में आपको इंजरीज हो रही है, इसका मतलब बहुत मुश्किल है कि आप वहां तक पहुंच पाओ. देन मैंने यहाँ से लोकल क्लब से खेलना स्टार्ट करा, इंदौर से ही. देन मैंने मदन महाराज एफसी से खेला, बड़वानी एफसी से अच्छा खेला. हाँ एंड हाँ यूथ मैंने मुंबई सिटी एफसी से खेला था, अंडर 17 यूथ, अच्छा ओनली ये ये 2 मंथ का होता है. हाँ हाँ देन 2019 में मैं सीडी लेगनिस से खेला, क्लब से, सी डिविजन का क्लब है. मेरे इंडिया मैं अभी मैं जब 2019 में इंडिया खेलने गया था अंडर 17, तो उनने मेरे को सिलेक्ट करा था कि आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन कर सकते हैं, ओनली 3 मंथ्स, इफ यू आर अच्छा कंफर्टेबल टू ज्वाइन अस. और उनने बोला अच्छा हम पे भी इतना नहीं कर पाएंगे, बट रहने खाने का हम हमारी तरफ से देंगे. और पेरेंट्स ने हाँ बोला कि आप वो सब कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं चले गया वहां पे. और देन मैं वहां से आने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मेरा वीजा, आपको पता ही है वीजा इशू कितना होता है, अरे कितना बहुत होता था ज्यादा. एग्जैक्टली. ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ. देन वहां मैंने खेला. एंड देन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो मेरा चर्चिल ब्रदर छोड़ने के बाद का था, मैं अभी लास्ट क्लब मेरा यही है, सीडी लेगनिस. अच्छा अच्छा हाँ. देन मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैंने क्या क्या खेला है. मतलब मैं जब 8 साल का था, तो मैंने अपना पहला इंटर स्कूल खेला था. हाँ देन जब मैं 10 साल का हुआ, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट करा था अंडर 14, इंदौर अच्छा डिस्ट्रिक्ट एट द एज एफसी. ऑफ 10 इयर्स. हाँ या अच्छा अच्छा देन जब मैं 12 इयर्स का हुआ, तो मैंने इंटर स्कूल खेलना स्टार्ट करा, लोकल टूर्नामेंट्स खेलना स्टार्ट करे. फिर यहाँ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो एग्जैक्टली यस. मैंने सिर्फ मतलब कोई बताने का था नहीं. और यहाँ पे कोचेज भी इतने खास नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट. मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा है, और प्लेयर्स का यहाँ से निकलना, इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी, सो इम्पॉसिबल है कि यहाँ से कोई प्लेयर उठ के चले जाए बाहर. सही बात है. सही बात है. आई थिंक दीक्षित भाई, मेरे ख्याल से नॉट ओनली मध्य प्रदेश, देयर आर मेनी स्टेट इन इंडिया जहाँ पे आई एम एग्री, प्लेस. या बहुत तो उसके सारी है. बाद और देन मैं जब 14 इयर्स का हुआ, तो मेरा मध्य प्रदेश नेशनल लग गया अंडर 19. मतलब मैं बहुत अच्छा छोटा था, अंडर 19 टीम में हाँ सिलेक्ट कर रहा था कि इसका ड्रिबल बहुत अच्छा है, तो इसको चांस दे के देखते हैं कि कैसा खेलता है. अच्छा तो वहां भी मैंने जो खेला अंडर 19 लगा. देन जब मैं 16 साल का हुआ, तो हमारे कोच है सचिन परदेसी, आईपीएस के ही हाँ हैं, तो उनने बोला हाँ कि बेटा यहाँ इंडियन कैंप का अंडर 17 का ओपन ट्रायल हो रहा है, कि जो जो नेशनल स्टेट खेला हुआ है, देखो उसे हाँ सर्टिफिकेट दिखाना है और ट्रायल देना है. खैर अब ये सब नहीं होता सर, ये पहले होता था. मैंने वहां ट्रायल दिया. देन वहां सर मोस्टली 600 to 700 आए थे बच्चे, और मोस्टली अच्छा केरला के ही थे प्लेयर्स, केरला नॉर्थ ईस्ट साइड के ही थे. हाँ एमपीसी हाँ हम दो बच्चे गए थे, जिसमें से एक जो मेरे साथ लड़का गया था, उसका तो ACL टूट गया था, किसी ने उसको मारा था, तो अच्छा उसका तो उधर ही डैमेज हो गया था, मतलब 2nd डे पे वो आउट. देन अब बचा हाँ मैं हाँ अकेला. तो वो ट्रायल था टोटल 1 वीक का, मतलब एक दिन आपका एजिलिटी देखेंगे, एक दिन आपकी स्ट्रेंथ देखेंगे, एक दिन आपकी स्पीड देखेंगे, अच्छा मतलब
डे बाय डे हर चीज आपको देखेंगे टेक्निकली एज वेल एज मेंटली कि प्लेयर कैसा है. एंड देन मुझे डर लगता था, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बोलूँ कि फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस था, और मैं अपना घर छोड़ के दिल्ली गया था ट्रायल देने के लिए. वो भी बिना बताया गया था, मैं घर वालों को बोल के गया कि मैं घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, क्योंकि सपोर्ट उस टाइम था नहीं. टू बी हाँ ऑनेस्ट उस टाइम सपोर्ट था नहीं, तो मैं घूमने के बहाने से ही बहाना बनाता था कि दोस्त को देता कि तू ले, मेरे को बस दे देना, क्योंकि घर पे देख लिया कि जूते ले जा रहा है हाँ तो फिर लगने पक्के हैं, क्योंकि आपको पता ही है इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी जो है फुटबॉल को लेके, वो जब तक आप एक लेवल तक पहुंचा नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करते. नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। थोड़ा सा सेफ खेलते हैं। इंडियन पेरेंट्स ऑलवेज ट्राई टू प्ले सेफ विद या इन अ चाइल्ड्स करियर एंड स्टफ लाइक दैट, करियर, तो यस, वो तो नॉर्मल ही है, सही है ना? सही बोल रहे हाँ, हो. मैंने 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 करण भाई आपके बारे में पढ़ा कि आप इंडिया अंडर 17 के लिए भी खेले हुए हो। हाँ, मैं आपको यही बता रहा था. तो मैंने ट्रायल दिया, देन हर डे पे कम से कम 100 100 150 150 बच्चों को निकाल रहे थे ट्रायल से, तो कि कोई फिजिकली फिट नहीं था, कोई टेक्निकली इतना खास नहीं था. तो मुझे भी डर लग रहा था कि क्या है. तो मुझे हमारा मैच हुआ केरला वर्सेस मध्य प्रदेश, मध्य अच्छा प्रदेश के सारे प्लेयर्स थे, केरला के सारे प्लेयर्स थे. फिर मैच हुआ तो गिने चुने प्लेयर्स आखिरी में बचे थे सिर्फ 30, मतलब जो 600 बच्चे थे उसमें से 570 को वो हटा चुके थे. अब ये 30 बच्चों में से सिर्फ 16 सिलेक्ट होंगे बस, और उसमें से भी नॉर्थ ईस्ट साइड के ही ज्यादा थे. तो मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, बट मैं ट्राई करता हूँ. देन हमारा जो इंडियन टीम का स्क्वाड बना था अंडर 17 का, कि 30 बच्चों में से सिर्फ 16 ही सिलेक्ट होंगे, तो उसमें दो टीम बना दी उन लोगों ने, 12 12 जनों की, और 6 गोलकीपर थे उसमें. तो उसमें हमारा मिजोरम स्टेट के साथ फ्रेंडली मैच हुआ. अब अच्छा हमारा मैच चल रहा था तो बीच में पेनल्टी मिल गई, तो बच्चे आपको पता ही है मैच्योर एज में तो सबको डर लगता है कि पेनल्टी लेंगे, और इफ हमने पोक दी, हमने मिस कर ट्रोल दी, तो लोग ट्रोल करेंगे. करेंगे। तो हाँ दिमाग में उस टाइम सडन थॉट आया कि यार मैं ट्राई करके देखता हूँ, नहीं गई तो नहीं गई बोलूंगा सर, घबरा गया था, नेगेटिव थॉट आ गया था. तो उस टाइम बच्चा था तो कोई कुछ इतना बोलेगा भी नहीं. बोलेगा नहीं। तो देन मैंने पेनल्टी ली, मैंने गोल स्कोर कर दिया, वहां पे पेनल्टी मार दी ऐसे ही, आइट साइड में पुट करा, हो गया. और कीपर भी ऐसा था कि खा लिया उसने. देन हमने मैच खेला, कंटिन्यू करा. मैं एक्चुअली मैं सेंटर मिड खेलता हूँ, नेचुरल पोजिशन मेरा सेंटर है, बट जब मैं प्रोफेशनल बना तो उन लोगों ने बॉडी का ये फिटनेस देख के, फुर्ती देख के, उन लोगों ने राइट बैक राइट विंग ही डाल दिया परमानेंटली. अच्छा तुमको अगर अच्छा करियर बनाना है तो तुमको विंग ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास क्रॉसिंग ड्रिबल और स्पीड है. तो प्ले हाँ मेकिंग में कोई रखेगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ही मोस्टली सेंटर, जो सेंटर मिडफील्डर्स रहते हैं वही अच्छे, और एमपी का नाम सुन के तो और नहीं लेंगे. तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम. तो मैंने सर अपनी पोजिशन चेंज करा है, मैं मैसी का फैन हूँ बहुत बड़ा, वो मेरी इंस्पिरेशन है. एंड देन अरे उस बाप रे उन्हें ये मेरा टैटू भी है हाथ में, ये 2 3 साल पुराना टैटू है, ये आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है ब्रदर? इट इज नहीं विजिबल, नहीं दिख रहा है आई थिंक सो, थोड़ा सा ये साइड आपको थोड़ा सा. दिख रहा है। हाँ हाँ बस हाँ अभी राइट दिख राइट रहा है. या हाँ या या दिस इज टैटू, ये बढ़िया बढ़िया तो भाई। बहुत इंस्पिरेशन है. और इनको ही मैंने यूट्यूब से देख देख के जज करा है क्या करते हैं, इनका क्या स्केड्यूल रहता है. तो कि सर कोई रहता नहीं ना गाइड करने के लिए, तो किसी को तो आइडल बनाना पड़ता है, बनना पड़ता है। टू हाँ बी ऑनेस्ट. एंड देन जो फाइनल ट्रायल था उसमें भी मैच खेला, उन्होंने को खिलाया है. देन मैंने वहां से फ्री किक में गोल मारा था अगेंस्ट गुजरात के साथ ही, फ्रेंडली गेम था हमारा. तो अरे भाई अंडर बढ़िया। 17 के बच्चों ने खा लिया था, इजीली खा लिया था, कि हमारी टीम बहुत अच्छी बन गई. देन अच्छा मैं AFC एशियन कप के क्वालिफायर्स हमारे हुए थे नेपाल में, हाँ या हाँ देन वहाँ फर्स्ट मैच हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ, और देन वहाँ उनको परफॉर्मेंस अच्छा लगा था तो उन्होंने मेरे को वाइस कैप्टन बनाया था, एक मैच में कैप्टन भी बनाया था. तो वहां मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में हैट्रिक मारी थी, जो मेरा विकीपीडिया पे ऑफिशियल लिखा हुआ है. पाकिस्तान के अगेंस्ट में 3 गोल्स करे थे, भूटान भूटान को एक स्कोर करा था, नेपाल को एक स्कोर करा था. थाईलैंड में हमारा अच्छा 1-1 ड्रॉ हुआ था. फिर हमारा हम लोग क्वालिफायर्स में से 3 मैच जीतना कंपलसरी रहता था उस टाइम में, अब तो खैर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो देन हम नेपाल से भी जीत गए, भूटान से भी जीत गए, पाकिस्तान से भी जीत गए. अब हमारा एशियन कप में हम जब दुबई गए 2019 में, सब खेल लिया था सर मैंने, स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो बेसिक होता है ना फुटबॉल का, वो सब खेल लिया था. खेल लिया अच्छा था। देन जब मेरा इंटरनेशनल लगा, देन वहां पे टूर्नामेंट था, तो कि सिर्फ 2 वीक्स का 10 डेज का ही रहता सर, आप लोगों को मालूम है इंटरनेशनल टूर्नामेंट इतना लंबा चलता नहीं है, लंबा नहीं चलता है नहीं, सही है। लंबा नहीं चलता. देन वहां हमारा पहला मैच हुआ थाईलैंड के साथ, हम 1-1 ड्रॉ करे, उसमें कुछ हुआ नहीं, जो कि सर टूर्नामेंट का फर्स्ट ही गेम था, और हम क्वालिफाई करे थे बस, और पहली बार ही इंडिया ने अच्छा क्वालिफाई करा, क्योंकि इंडिया की कंडीशन ऐसी थी सर कुछ साल पहले कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाती थी इंडिया, और यूथ हाँ में नहीं तो कर, बिल्कुल भी नहीं. नहीं सही है। एंड देन फिर मैंने यहाँ खेला. एंड देन हमारा सेकेंड मैच हुआ क्वार्टर फाइनल कोरिया के साथ, मैं स्कोर बता नहीं अच्छा सकता यहाँ पे, बट हम 8-1 से हारे थे क्वार्टर फाइनल में. अच्छा
दे आर वेरी क्विक एंड उनमें यूनिटी बहुत ज्यादा रहता है, वो एक दूसरे को गाइड करते हैं और नहीं होता तो सपोर्ट। अब इंडिया में सर कैसा है, ये सब आपने गलती करी तो कोई प्लेयर गाली भी भग देगा, कोच भी गाली भगेगा कि क्या कर रहा है ये, छोरी है क्या। तो सर ये सब था। एंड देन मैंने शॉर्ट टर्म डील साइन करा था मुंबई एफ सी से 3 महीने के लिए, मुंबई डिवीजन अच्छा खेलने के लिए। देन वहां साइन करा, फिर देन हमारे यहाँ चर्चिल ब्रदर्स के बीच में ट्रायल आया था, मुझे कोच ने बोला कि इनको अपना सीवी भेज, इफ इनको सीवी अच्छा लगा तो ये तेरे को चांस देंगे खेलने का। तो देन इनने मुझे चांस दिया एंड देन मेरा सर ट्रायल उनने टोटल 2 वीक्स तक लिया था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में खेलता क्या है। ऐसे ट्रायल मोस्टली सर 5 डेज में प्लेयर को देख के बता देते कि इसमें क्या है, बट उनको देख के समझ में नहीं आता ड्रिबल करता है, प्ले मेकर है, डिफेंडर है। देन तो स्टार्टिंग में तो लगा नहीं होगा, फिर देन ने 2 वीक्स का ट्रायल बोल के 1 मंथ तक खींच दिया उसको, मतलब 30 डेज तक सर टोटल ट्रायल चला मेरा चर्चिल ब्रदर्स में। अच्छा, एंड मतलब अभी देन अभी 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 आप चर्चिल ब्रदर में हो या फिर अभी कोई और क्लब में हो? बिकॉज़ नहीं आपके बहुत सारे लिंक्स आ रहे मैंने वहां हैं। मैंने सर वहां से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था बिकॉज आई ब्रोक माई एंकल। अच्छा, मेरा ओके, एंकल प्री सीजन में टूट गया था अगेंस्ट हैदराबाद एफसी से, प्री सीजन का मैच चल रहा था तो अच्छा वहां मैंने ओवर ड्रिबल करा तो मेरा पाँव ही बॉल के ऊपर आ गया, तो उसमें प्रॉपर एंकल टूट गया था मेरा, मतलब प्रॉपर जो अच्छा लिगामेंट रहता है ना वही टूट गया था जॉइंट का। टूट गया था। अच्छा। ओ, तो ओके देन ओके ओके हम्म, सर उसको ठीक होने में ही 8 महीने लगे। एंड देन चर्चिल ब्रदर्स का ये था कि या तो तुम 3 साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लो या हमारा क्लब छोड़ दो। अच्छा तो ओके, मैंने बोला मैं यहाँ पे साइन तो नहीं करूंगा क्योंकि सर यू नो इन गोवा में ना क्लब्स में क्या प्रेशर बहुत ज्यादा देते प्लेयर पे कि इफ तूने परफॉर्म नहीं करा तो हम तेरे को आई लीग में नहीं हम तेरे को गोवा लीग में डाल देंगे। तो ओके प्लेयर तो ओके, सर अच्छा ऐसे ही घबरा जाता है, मतलब मेरे को बोलने में डर नहीं लगा बिकॉज इट्स अ रियलिटी है, मेरे को ऐसा नहीं है वो लोग कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, बट इट्स हाँ अ हाँ सैड रियलिटी सर कि या कोई भी टोटली प्लेयर का सर परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंट नहीं होता सर, किसी मैच में अच्छा खेलेगा किसी में नहीं खेलेगा चलेगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कि आप जब एक हाइट पे जाते हैं एज अ प्लेयर तो लोग ट्रोल भी करेंगे, जिनको अच्छा लगोगे वो तारीफ भी करेंगे आपकी कि नहीं अच्छा है। अभी मेरा सर मैं जब यहाँ आया तो देन मुझे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ट्रायल दिया, एक हाँ सर हाँ मेरा फ्रेंड है नासिर अहमद, वो बहुत अच्छा इंसान है मतलब एज अ ह्यूमन बींग, उसने ही मुझे हेल्प करा पूरा। अच्छा अच्छा देन उसकी वजह से ही मुझे वहाँ ट्रायल पे उसने कांटेक्ट कराया, शुभम रावा कोच है उनने मुझे ट्रायल दिया, उनने बोला इफ यू आर गुड इनफ हम आपको 7 डेज का ट्रायल देंगे, हमारा जो न्यू कोच आएगा इफ अगर आप उसके उसमें फिट बैठ गए सो वी विल गिव यू 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट अच्छा डायरेक्ट आई बढ़िया, है सर। और अभी सर एमपी की हिस्ट्री में जितना मैंने खेला इतना कोई भी प्लेयर नहीं खेला हुआ है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। कुडोस तो यार भाई, कांग्रेचुलेशन ऑन कुडोस दैट तो यार। नहीं सर, मतलब मुझे देख के ताजुब होता है, मतलब मैं लोकल खेलता था पहले तो मुझे प्लेयर सर इतने अच्छे अच्छे हैं कि मैं कुछ नहीं उनके आगे टू बी ऑनेस्ट, बट बिकॉज ऑफ लो मेंटेलिटी वो लोग पेशेंस ही रखते सर और छोड़ देते हैं। छोड़, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि छोड़ना नहीं चाहिए, एंड छोड़ दोगे तो फिर सर वही मैंने आपको बोला ऑप्शन कि जो नहीं फिर मतलब वही है सर क्या, डिग्री वही वही मतलब मोस्टली कैसा होता है, आई थिंक करण भाई जैसे जो मेंटालिटी आपने दिखाई फ्रॉम द स्टार्ट, जैसे आपने बताया कि आपने अंडर 8 खेले, फिर उसके बाद अंडर 10 में सिलेक्ट हो गए थे, अंडर 14 खेलने के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर वो आपने या सस्टेन किया उस चीज को, आपने सस्टेन किया उस चीज पे, आपने बिल्डअप किया, दैट्स व्हाई यू रिप्रेजेंटेड अंडर 17 इंडियन टीम प्लेइंग इन सर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सीवी इतनी वास्ट है, इतनी अच्छी आपकी सीवी बन चुकी है कि नाउ यू कैन बिल्ड ऑन दैट, आप थोड़ा सा इसके ऊपर और भी काम करेंगे और थोड़ा हार्डवर्क करेंगे तो श्योरली देयर विल बी टीम्स कॉलिंग यू इन, राइट? तो ये वाला सीन होता है। आई थिंक थोड़े लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी डगमगा जाती है, आई थिंक उनको ब्लेम करना भी गलत होगा क्योंकि आपको गलत पता हो है गए। पीर प्रेशर होता है, क्योंकि पेरेंट्स से प्रेशर होता है, सोसाइटी से प्रेशर होता है, लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो स्ट्रांग मेंटेलिटी रखने वाले बहुत कम होते हैं। जैसे आप है अभी, आई थिंक यू आर वन ऑफ द 1% पीपल हु कीप दैट मेंटेलिटी, दैट्स कॉल्ड मॉन्स्टर थैंक यू सर, मेंटेलिटी, दैट इवन दो थैंक यू। एनीवन सेज एनीथिंग, कि कुछ भी कोई बोल लो भाई मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे मुझे फुटबॉल ही खेलना है, मुझे और कुछ किसी चीज में नहीं जाना है, तो वो तो यार सेकेंडरी होता है कुछ भी जॉब। भाई देखो किसके पास टैलेंट होता है वो कहीं से भी उसको मिल जाता है कुछ ना कुछ, भगवान देने वाला बहुत बड़ा होता है, क्या बोलते हो? तो वो वाला बिल्कुल सीन नहीं सर, आपकी बात है सही है यार। ब्रदर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने टोटल में अभी मैं 13 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं टोटल 33 क्लब से रिजेक्ट हुआ हूँ। 33 अच्छा या आपने बायोग्राफी के वीडियो में भी देखा होगा, 33 उसने हाँ बोला है उसने वीडियो में। कोई बोलता था हेल्थ नहीं है, कोई बोलता था गेम नहीं है, कोई बोलता कि आपका पहचान नहीं है। तो सर अब मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से, तो मेरी पहचान कहाँ से आएगी टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली एंड हाँ देन पेरेंट्स ने बोला कि डिग्री लेके बेटा जॉब कर लियो और एमपी खेल लिया तो सर तो यहाँ पे रेलवे में जॉब तो ऐसे ही मिल जाती है सिंपली टू बी ऑनेस्ट। हाँ मैं बोलूँ मेरे को अभी भी मिल हाँ रहा है,
बट मुझे लगता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट में, तो इतना भरोसा मुझे अपने आप पे है। एंड ये है सर कि सैक्रिफाइस तो लाइफ में करना ही पड़ता है, आप भले कहीं से भी हो बट सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। और मेन चीज सर पेशेंस, पेशेंस नहीं है लाइफ में तो कुछ नहीं कर सकता इंसान। कुछ सही सही, आई थिंक आपने बिल्कुल क्या बोलते हैं सही बात बोली है करण भाई, कि चाहे कोई भी फील्ड हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो भाई, वहाँ पे भी आपको अगर आप डायरेक्ट, काफी सारे लोग डायरेक्ट एम करते कि हमें 3-4 साल में हमें इस पोजिशन में पहुंच जाओगा, तो बिल्कुल वो तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बिना पेशेंस और हार्डवर्क के तो नहीं मिलता। मैं आपसे करण भाई जानना चाहता था कि अभी करंटली आपकी एज क्या, कहाँ पे क्या है, और कब आपने चर्चिल ब्रदर छोड़ा था, और जो ये यूक्रेनियन लीग से आपको जो आया था ऊपर, उसका उसका पूरा क्या स्टोरी है? अच्छा सर, चर्चिल ब्रदर्स में मैंने साइन करा था सर 2020। अच्छा सिर्फ हाँ, मैं उस टाइम 20 साल का था, तो उस टाइम प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा में देते थे 3 साल का दे रहे, 4 साल का दे रहे, उस टाइम से उनने ऑफर देते कि 2 की 1, तो मैंने बोला 1 का ही कर लेता हूँ, मैं एक बार देखते लू कि क्लब का एटमोसफेयर क्या है, मैं फिट हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। अभी आपने सिलेक्ट तो कर लिया बट दिस इज नॉट गुड इनफ ना, मैं एक बार खुद तो जज करूँ कि क्या है। एंड मैंने वहां खेला, एंड देन मैंने 3 महीने ही खेला और मेरा एंकल टूट गया प्री सीजन में, सेप्टेम्बर में टूट गया था। देन मैं किसी को वहां पे कुछ बोला नहीं क्लब में, मैंने से मैनेजर को बोला कि ऐसा हो गया है, मैं ऐसा फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, मैंने दोस्त को भी नहीं बोला कि मेरा एंकल टूटा है। देन मैं वहां से छोड़ के चले गया, मतलब फ्लाइट करी और तुरंत आ गया, तो कि मेरे को लग गया था सर कि कुछ ना कुछ तो हुआ है एंकल में। फिर देन मैंने 2020 के सेप्टेम्बर से लेके मई मई अगस्त तक, तो सर मैंने 2021 तक बॉल टच भी नहीं करी। हाँ, वो तो हर रिकवरी में एक हो मास गया। तो प्रॉपर ही था कि आपको लेटना ही है, कुछ भी कर लो आपको लेटना तो पड़ेगा। एंड देन सेप्टेम्बर में हमारा यहाँ का क्लब है सर मदन महाराज एफसी, या तो उनका जो ओनर है राकेश शर्मा, वो बहुत अच्छे हैं और वो सपोर्ट करते हैं कि हमारे यहाँ से एमपी से, उनका भी ड्रीम है कि कोई प्लेयर तो आईएसएल या आई लीग में जाए, क्योंकि सर आई लीग में भी कोई प्लेयर नहीं गया एमपी से, और इसी कारण प्लेयर्स का जो है वो लेक ऑफ इतना होता है कि प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं कि कोई भी प्लेयर नहीं गया तो तू क्या ही जाएगा। सही है। अभी प्लेयर्स के मैसेज भी आते तो बोलते भैया हमको तो टॉन्ट मारते हैं कि कोई प्लेयर तो गया नहीं मध्य प्रदेश से, तू जाके क्या कर लेगा, तो वो प्लेयर को फिर सपोर्ट नहीं मिल पाता। एंड देन मैं वहां से प्री सीजन खेलने गया था थाईलैंड, देन वहां पे हम लोगों ने खेला, देन वो, और देन सर जो आप एफसी एलो सेंटर का पूछ रहे हैं, ये मेरा सर प्रोसीजर दुबई से ही स्टार्ट हो गया था जब मैंने इंडिया अंडर 17 खेला था, अच्छा इंडिया अंडर 17 खेला था। एंड देन जब मैं सर स्पेन गया था खेलने के ओके लिए, तो वहां से जो एक कार्मेल टांटी करके सर एक एजेंट है एफसी अलेक्जेंड्रा का ही है, उसने मुझे खेलते हुए देखा, वो बोलता तुम्हारा पेस ड्रिबल मुझे अच्छा लगता है, सो वी विल गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट 2 इयर्स। तो सर मुझे पहले लगा मजाक कर रहे हैं, देन तो कि सर ऐसे बिना ट्रायल के तो कोई बोलता नहीं ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देन हाँ बात सही है। मैंने बोला कि बिना ट्रायल के आप मुझे ऑफर कैसे दे रहे हैं, पहले तो आप मुझे ये बताओ टू बी ऑनेस्ट। तो वो बोलते नहीं अच्छे प्लेयर हो, हमारे प्लेयर्स को भी तुम अच्छे लगे। एंड देन थाईलैंड में वो टीम भी आई थी प्री सीजन के लिए, देन अच्छा। मैं वहाँ इंडियन क्लब से नहीं खेला था सर, वहाँ पे जो थाई क्लब्स होते हैं ना सर लोकल क्लब्स बी सी डिवीजन के, लोकल हाँ प्लेयर्स। हाँ मैं सिर्फ वहाँ हाँ खेलने हाँ चले गया कि मेरे को बस खेलना है, और सर थाईलैंड इतना महंगा भी नहीं है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है खेलना है। एग्जैक्टली या ओके। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे एफसी एलोसियन की टीम आई थी। अब सर टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो उन लोगों के प्लेयर्स इतने फास्ट नहीं थे, अच्छा मतलब उन लोगों का अच्छा मूवमेंट भी ठीक ठाक था, मतलब सिर्फ होल्डिंग और पास कर रहे थे, और सर मैं को हाँ एमपी में जानते हैं ड्रिबल और प्ले मेकिंग के नाम से मैं फेमस हूँ मध्य प्रदेश में, कि मेरा प्ले मेकिंग एंड ड्रिबलिंग बहुत अच्छा है। तो ओके। देन वहां मैं उन लोगों के 5-6 प्लेयर्स को ऐसे ही ड्रिबल करते करते लेके क्या गोल तक, खैर गोल नहीं मार पाया, ऐसा मैंने 2-3 दिन सलंग किया, और उनके प्लेयर्स ने भी कुछ ही नहीं, वो इंग्लिश में गाली बकते थे बट मैं सुनता था हाँ बोलने दो कोई बात नहीं बकने दो। एंड ऐसा सा था, और फिर 5 दिन में उन लोगों ने मुझे ऑफिशियल लेटर बना के दिया कि हम आपको 1 सीजन का 50 लाख देंगे, अच्छा हमारा क्लब एफसी ओके ओके अलेक्जेंड्रिया में यूक्रेन प्रीमियर लीग और यूरोपा लीग खेलता है। मैंने एक्सेप्ट करा कि मैं आऊंगा, बट मैंने बोला था 2019 में कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अभी मेरा प्रोफेशनल करियर चल रहा है, ऐसे में अभी तो नहीं आ पाऊंगा। फिर देन उन लोगों ने देखा कि आईएसएल में भी इसके ट्रायल्स की बात चल रही है, तो उन लोगों ने बोला कि अब तो आ सकते हो ना, अब क्या प्रॉब्लम है। मैंने ओके बोला हाँ ठीक है आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सर वहां पे वॉर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, और जो पहले से ही चल रहा है। हाँ, जो बहुत पहले से चल रहा था। हाँ सर मैंने वीजा के लिए अप्लाई करा तो बोलते इतना टाइम लगेगा, ये है वो है। देन मैं सर अटक गया, तो कि सर चर्चिल से ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था, और यहाँ लोकल क्लब से मैं सर खेलना चाहता नहीं था क्योंकि इतना खेल लिया ऊपर, अब सर लोकल खेल के वापस मतलब क्या है, ग्रोथ नहीं भी सही नहीं बात। है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देन मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने सर कुछ आईएसएल क्लब्स में अपना सीवी भेजा,
कॉन्टेक्ट निकाले अपने आप ही, तो कि सर कॉन्टेक्ट थे नहीं, बनाने पड़ते, कॉन्टेक्ट नहीं होते, किसी से बनाना पड़ता है कॉन्टेक्ट। सही है। देन बात बात करी, देन मेरा फेवरेट कलर सर YSL में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है। मतलब स्टार्टिंग से ही ड्रीम रहा कि ये क्लब के लिए खेलना है, इसलिए नहीं कि इनका ऐसा वैसा है, फॉर्म नहीं है, बट वो क्लब सर दिल से अच्छा लगता है मुझे, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। सो देन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से ऑफर आया है कि आप ट्रायल देना 7 डेज का, इफ यू आर गुड इनफ तो वी विल साइन यू। देन ओडिशा एफ सी में भी जोसेफ गांबा करके कोच है, खैर अब तो वो नहीं है, उन्हें क्लब छोड़ दिया है, छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 5 डेज का ट्रायल दूंगा, तुम्हें बस ट्रेनिंग में अपने आप को दिखाना है कि तुम्हें कितनी फुर्ती है, स्टेमिना है, और 7-a-side गेम होता है उसमें अपने आपको प्रूव करना है, और मैं 100% श्योर हूं कि तुमको लेंगे, क्योंकि तुम अभी इंडिया में बहुत ज्यादा रिवील चल रहे हो कि यूरोपा लीग में किसको बुला रहे। राइट। एंड देन क्लब ने मुझे डेट दिया था कि 25 मार्च तक आपको ऑफिशियल बता देने कि आपको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपका फ्लाइट का क्या प्रॉब्लम है। तो सर वहां से मेरा वीजा भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि तो वॉर चल रहा है तो वो लोग कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। एग्जैक्टली। बोल रहे इफ ये आया, और इसको मतलब ऐसा होता तो नहीं है सर आई थिंक, बट इसको किसी ने वॉर में मारा या बाय चांस कुछ हो गया, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो बोल रहे हैं भले हमको 2 इयर्स के लिए साइन कर रहे हैं 1 करोड़ देके, बट हम कोई लाइफ की गारंटी नहीं ले सकते कि ये आएगा तो ये कैसा रहेगा, इसका क्या रहेगा, हम बस खाना पीना रहना ही दे सकते हैं। और वो बोल रहे थे मेरा सर जाना था अलेक्जेंडर सिटी में जाना था मुझे, बट वो बोलते कि जो अलेक्जेंडर का एयरपोर्ट है सर वो भी बंद है, आपको कोई कुवैत करके किसी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, बोलते हैं वहां आपको जाना पड़ेगा, और देन वहां से कम से कम 200 किलोमीटर को दूर अलेक्जेंडर, वो भी आपको बस से या फिर आपको ट्रेन से आना पड़ेगा। देन पेरेंट्स ने सर सब पढ़ ली चैट कॉल पे बात करी, सब सुन लिया, तो उन्होंने बोला ऐसा पैसा क्या काम का, उन्होंने बोला तू रहने दे तू इधर ही खेल। देन सर मैंने आई लीग ISL क्लब में कॉन्टेक्ट करा कि मुझे खेलना है, एंड कोचेस कुछ अच्छे हैं कि उन्हें सपोर्ट करा, और खैर सर नॉर्थ ईस्ट के तो बहुत ही अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट में बोलूँ तो, और खासतौर पर सर जो नासिर अहमद है वो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। तो इन लोगों ने सर हेल्प करा मेरा, और देन अभी वो सर रिवील हुआ परसों ही, वो रिवील हुआ कि ये जो प्लेयर है मध्य प्रदेश से राइट विंगर, ये ट्रायल देने जाएगा जुलाई में प्री सीजन में, और उन लोगों को लग रहा है सर कि मेरा साइन होता है सर, अभी ट्रायल बेस पे ही मुझे लोग देखेंगे, मैं उनको अच्छा लगा तो ही मेरा साइन होगा, नहीं तो साइन नहीं होगा। तो अभी अभी करण भाई अभी आप यहाँ पे अपने इंदौर में ही ट्रेनिंग कर रहे हो सारा सब कुछ? यार अभी मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो सर मैं एक्टिवा चला रहा था और एक आंटी ने मुझे ठोकर मार दी थी सर, मेरे घुटने में अभी पेन है, तो अभी मुझे वन मंथ मना करा है खेलने के लिए, लिगामेंट अंदर से स्वेल हो गया है, तो अभी सर बैड रेस्ट ही है सर ये मंथ, तो नेक्स्ट मंथ से वापस खेलूंगा, और देन सर जुलाई में ट्रायल देने जाना है नॉर्थ ईस्ट में, एक दो क्लब और है, एंड देन जहां भी साइन होगा सर आपको पता चल ही जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मुझे आपका पता चला कैसे कि आपकी जब लिंक आई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से, देन आई वाज लाइक करण दीक्षित, नाम तो मैंने नहीं सुना था करण दीक्षित का, बट देन अगेन मुझे याद था करण दीक्षित था कोई, मतलब अंडर 17 स्क्वाड में जब आई थिंक तुम लोग कुवैत के साथ भी एक मैच खेले थे। हाँ सर, कुवैत के साथ मैच खेले थे, राइट? तो उसके स्क्वाड में एक करण दीक्षित कोई था बंदा, तो मतलब बहुत पहले की बात है, तो फिर मैं बोला कि यार ये हो गया लग रहा है, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, तो लग रहा है कि ये मतलब जाना पहचाना सा नाम है। तो आए थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने, तो फिर मेरे ख्याल से हिंदी में एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, आई डोंट नो वो दैनिक जागरण से था किससे था आई डोंट नो, बट इट वॉज इन फुल हिंदी, एंड अच्छी बात यह कि मुझे हिंदी पढ़नी आती है, तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, बोला यार कुछ एक्साइटिंग है बंदे में। तो अच्छा, न्यूज़ 18 में सर ऑनलाइन आया था, आई नो। अच्छा, वो मतलब हिंदी में था वो आर्टिकल, तो मैं पढ़ा, मैं बोला यार ये तो बंदा एक्साइटिंग लग रहा है, देखेंगे कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो जब हम लोग फर्स्ट टायर की बात करते हैं तो बहुत कम प्लेयर्स को ऑफर डायरेक्टली आता है टू प्ले इन द यूरोपियन फर्स्ट टायर, एंड ये बंदे को फर्स्ट टायर से ऑफर भी आया, नो वन इज कवरिंग अबाउट इट, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, ये कैसे, ये मतलब ये कौन सी बात होगी। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सर्च किया, देन आई गॉट इन टच विथ यू, एंड आई वाज लाइक यार करते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट, जो भी देखते हैं देखो हमारे यहाँ पे जो भी मोस्टली फॉलो करते हैं स्पेशली इंडियन फुटबॉल को, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम फॉलो द यूरोपियन फुटबॉल, जो भी इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते हैं वो बहुत यंग जनरेशन यू नो बॉयज है, तो वो लोगों को वही पूरे प्रॉब्लम्स होते हैं कि यार कैसे स्टार्ट करें अपना करियर, किस यू नो कौन से टीम में घुसे, कैसे टीम में घुसे, कौन से अकेडमी में खेले, क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे उनको पढ़ाई के साथ में, क्या वो फुटबॉल खेल पाएंगे, वो वाले सब चीज़ होती है, क्योंकि देखो उनको बैलेंस करना है फुटबॉल को, उनको बैलेंस करना है अपनी पढ़ाई को, माँ बाप को भी समझाना है कि फुटबॉल इज ऐसा ऐसा सीन है, मुझे अच्छा लगता है खेलना, बिकॉज हमारे जमाने में ऐसा होता था भाई कि देखो आप फुटबॉल खेलो क्रिकेट खेलो कोई बात नहीं, बट पढ़ाई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या होता था, हम लोग अगर प्रोफेशनल खेलने की भी सोचते थे तो इट वॉज नॉट ईजी, क्योंकि देखो प्रोफेशनल खेलने के लिए एटलीस्ट 3-4 घंटा आपको दिन में ट्रेन करना पड़ेगा,
वो तो नॉर्मल है, आपकी फिजिक अच्छी बनानी पड़ेगी। हाँ, आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपको इंटेक जो है आपका उसको आपको संभाल के रखना है, मतलब वो उतना ही खाना है, चावल इतना ही खाना है, सब्जी कौन सी खानी है, उसके बाद ज़्यादा फैट्स आपको अंदर नहीं लेना है, वो सब चीज़ आपको एक बैलेंस में रखना है, ये सब चीज़ें। तो ये वाली सब बात होती थी, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि हाँ आप मतलब अगर बोलोगे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मिल जाएगा ना, आप यहाँ पे आके बोलोगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स थे, आपके जो अच्छे ना अप्स एंड डाउन्स थे आपके लाइफ में एज ए फुटबॉल प्लेयर, जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स जैसे होते हैं, अभी जैसे आपको आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो उसके वजह से कितना इफेक्ट हो सकता है, तो कितना टेक केयर करना पड़ेगा अपना हेल्थ का, अपने पैरों का, स्पेशली अपने पैरों का। चलो कुछ उंगली को हो गया, कुछ हैंड को हो गया तो नो ये इश्यू, माइनर है ब्रदर, बट पैर से ही सब कुछ है फुटबॉल में, तो पैर आदमी तो कुछ नहीं है। ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन मोर थिंग, डू यू हैव अ एजेंट एजेंट एजेंसी और समथिंग लाइक दैट, यू आर टाइड विद अ एजेंट और जस्ट? नो नो नो, आई डोंट हैव एनी एजेंट, बट मुझे ऑफर है कि हम साइन कर लें क्या ये वो, बट सर मैंने अभी किसी को रिवील नहीं करा, क्योंकि सर मैं बिना एजेंट के मैं खुद डायरेक्ट क्लब से कांटेक्ट कर लेता हूँ, या मैं कोचेस से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि कोच प्लीज यू गाइड मी। तो कोचेस कुछ कुछ अच्छे रहते हैं जो हेल्प करते हैं, कुछ कुछ रहते हैं जो नहीं करते, जो मैसेज देख के भी इग्नोर कर देते हैं। बात तो तो सही सर है। उसके थ्रू वो लोग सीधा बोलते हैं कि आप ट्रायल देने आओ, इफ यू आर गुड इनफ, तो एजेंट वेजेंट भी कुछ नहीं करेगा अगर आप में टैलेंट नहीं है तो। लेकिन पाओ सर मुझे चलाना है, खेलना मुझे है, तो टोटली सर एजेंट भी बस एक रिकमेंड लगा सकता है कि आप इसको देख लो। बात तो सही है, बात बाकी सही सर है। जब मेरा एफसी अलेक्जेंड्रिया में हुआ था तो मैंने कार्मेल टांटी एजेंट था उसको हायर करा था, बट बाद में सर इतना वहां पे वॉर का वो बढ़ गया कि वो खुद ही छोड़कर दूसरे क्लब में चले गए। एक्चुअली आई थिंक द प्रॉब्लम विथ वॉर टोन कंट्रीज कैसे है मालूम है, दे डोंट टेक योर मतलब आपको अंडरटेक क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कब पता चले कि कभी हाँ इतना डेंजरस एरिया है कि कभी क्लब के ऊपर भी फायरिंग हो जाए, क्लब के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, मॉब मॉब घुस जाए क्लब्स के अंदर, तो उसमें प्लेयर्स को भी दिक्कत हो जाएगी, पूरे मैनेजमेंट को दिक्कत हो जाएगी, तो वो टैब नहीं रह सकते कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे रहता है। यू विल नॉट स्टे इन द अकेडमी, यू विल नॉट स्टे इन ऑन द नियर द टर्फ, थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा आपको, अपना घर लेके रहना पड़ेगा, अपना फ्लैट लेके रहना पड़ेगा, तो वो वाला सीन हो जाता है मोस्टली। तो आई द थिंक सिंपल थिंग इज दे डोंट वांट टू टेक रिस्क इफ आई एम डाई, या सो या दैट्स वही व्हाई वही दे रिफ्यूज क्लियरली, दे या डोंट मेक फेक प्रॉमिसेस। या आई थिंक विच इज़ वेरी गुड थिंग, बिकॉज देखो वो अगर वो प्रॉमिस करते आपको कुछ, आप चले जाते हैं, खुदा ना खासा कुछ हो जाता, तो इट्स लाइक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हर जगह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फिर तो थोड़े से कमेंट लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं विल फॉर यू ऑल्सो। एंड यहाँ पे हमारे अरविंद भाई बोल रहे थे कि आपको थोड़ा सा हाई बोल दें, अरविंद इज आवर पार्टनर, वी हैव अ खेल कोना हेलो वेबसाइट जहाँ पे वी पोस्ट ऑल द हेलो, न्यूज आर्टिकल्स, फुटबॉल आर्टिकल्स, सो ही इज अ पार्टनर देव। एंड यहाँ से सुबल भाई बोल रहे हैं कि एमपी में कहाँ से हो भाई, मैं भी एमपी से हूँ। मैं ब्रो इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश। अच्छा हेलो भाई, हेलो, हेलो हाय, थैंक लव फ्रॉम कर्नाटका, वरुण भाई हाँ बोल रहे हैं कि लव यू, फ्रॉम थैंक यू कर्नाटका। सो मच, थैंक यू। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम करण, वॉट इज स्पेशल क्वालिटी अबाउट हिम इन फुटबॉल, यानी आपकी क्या स्पेशल क्वालिटी है? टू बी ऑनेस्ट, माय माइंडसेट इज माय मेन स्ट्रेंथ एंड माय प्ले मेकिंग एंड माय ड्रिबल। आई हैव वेरी हाई ओवर कॉन्फिडेंस इन माय दिस थ्री थिंग्स। अच्छा दैट्स अ वेरी गुड थिंग। राइट विंगर, राइट विंगर और लेफ्ट विंगर, विच पोजिशन? राइट विंगर। राइट अच्छा विंगर। हेलो करण ब्रदर, मैं हूँ महेश। अच्छा महेश भाई बोल रहे हैं, ही इज इंट्रोड्यूसिंग या हिमसेल्फ। हेलो महेश, ही इज आल्सो माय फ्रेंड ब्रो फ्रॉम आसाम, ही इज अच्छा आल्सो गुड गाय, अच्छा अच्छा वेरी अच्छा करण दीक्षित भाई वो सपोर्टिव भी, गाय। अच्छा ही इज हेलो सेइंग दैट 11 11 पॉडकास्ट इज सेइंग करण दीक्षित भाई ओपी यानी ओवर पावर्ड, और दैट्स नाइस। हाँ कल मिलते हैं स्ट्रीम पे, प्ले मेकर भाई, श्योर श्योर। एमपी वालों का सच में सर वो बोलने की आदत है, मुझे भी है। अच्छा सर है तहजीब ही ना, सर ही बोलना पड़ता है ना। तहजीब तहजीब बहुत ग्रेट अच्छी चीज़ है, ग्रेट कंटेंट है कि मेरे भाई। कंटेंट। करण भाई ओपी, अच्छा अरविंद भाई बोल रहे हैं, करण यही बोला था हाँ मैं, करण भाई को मेरी तरफ से हेलो बोल दूँ सब भाई। हेलो हेलो हाय। हाँ आकाश मिश्रा, मुंबई सिटी एफसी में चला गया है क्या? हाँ भाई, 3 साल की डील हो गई उनकी हाँ कैंटीन में। भाई, गुड प्लेयर भाई या उसका, उसका मैं आज आकाश मिश्रा का वो देख रहा था, वो यूपी का, जब आई थिंक कितना 11 या 12 साल का आकाश था, मिश्रा बहुत स्ट्रगलिंग इंटरव्यू प्लेयर है सर, बहुत अच्छा प्लेयर है आकाश मिश्रा। यू मुंबा ने उसका इंटरव्यू लिया था, मैं आज ही फोटो देख रहा था भाई। आकाश अच्छा मिश्रा का, आकाश मिश्रा हाँ वो भी सर एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का ही था सर वो, बट हाँ उसने भी हाँ इतना सब हाँ करा ना सर, सेक्रीफाइस। सर मतलब यूपी यूपी से आना भाई बड़ी बात है भाई, जैसे एमपी का है यूपी में सेम ही। पॉपुलेशन ज्यादा है।
यूपी का पॉपुलेशन यूपी से ज्यादा है, लेकिन हाँ सिचुएशन तो सेम ही है कि कोई फुटबॉलिंग उस तरह से प्लेयर ऐसे मतलब कोई आ नहीं रहे थे, और वहाँ का भी कोई इतना कोई फुटबॉल में उतना ज्यादा कोई स्ट्रक्चर क्या बोलते कि वो नहीं है, तो भाई जबरदस्त आई थिंक करंटली तो भाई इंडिया का बेस्ट लेफ्ट बैक है वो मेरे हिसाब से। Yeah, yeah, you can say that he's one of the, not one of the, he's the current best left back of India, right? Best, best. Haan. I would totally agree with you. Seriously. He's the best. Yeah. Have you met him? Have you met, you know, Akash Mishra? No, I only handshake with him in pre-season against Hyderabad FC. He said me, bro, gain some muscle mass. It's important for you. Mala, okay, brother. Thank you for your tips. That's nice. Okay. आगे बढ़ते हैं comments. हाँ आपके सामने हुआ होगा ना, हाँ वो left back है और आप right wing हो। और करण भाई कैसे लग रहा है फेमस होके? अरे नासिर सर यही है जिसका मैं आपको बता रहा था ना। अच्छा नासिर अहमद। और करण भाई कैसे? ओके हेलो, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट नासिर ब्रो, इसको सर हाँ बोलो, इज माय ब्रदर। अच्छा हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, थैंक यू करण को आपने इतना सपोर्ट किया, इट्स वेरी गुड, ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं आई थिंक, सो कुडोस टू यू। हां सर, क्योंकि बिना सर मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता, बट ही इज लाइक कि नहीं ब्रो मैं तो करूंगा, मेरा दिल से मन है कि मैं तेरे को सपोर्ट करूं, तेरा स्टोरी मैंने देखा जाना, तो आई थिंक यू आर डिजर्व, मतलब नो नो ब्रो, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एजेंट कौन है मुनमुन? एजेंट नहीं है अभी, ही इज यू नो डूइंग हिज ओन पीआर एंड अभी है, एजेंट है, बट मैंने अभी किसी को साइन नहीं करा है। अच्छा, साइन करके कोई मतलब नहीं है। अच्छा राइट, अच्छा मी प्लीज आस्क करण भाई हु आर द टॉप 3 प्लेयर्स फ्रॉम हिज अंडर 17 इंडियन टीम बैच। तो आपके बैच में से कौन ऐसे टीम प्लेयर्स थे जो अभी मतलब आईएसएल में खेल रहे हैं, आईएसएल आई लीग में कोई आपके बैच से? सर अनिकेत यादव, सुमित राठी एंड धीरज सिंह, तीनों आईएसएल में खेल रहे हैं। अच्छा भाई हां, मतलब दे आर वेरी एटीट्यूड गाइस, तो मेरा इनसे इतना बातचीत नहीं है, बट हाँ ये लोग अच्छे हैं, बट एक सर एक एटीट्यूड आ ही जाता है सर प्लेन में जब वो इंडिया की टॉप लीग खेलता है, आई लीग आईएसएल में थोड़ा सा एटीट्यूड आ ही जाता है। सो डोंट वरी, लाइक इट्स ओके, एनीवेज वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ, दैट्स इट। किसको थोड़ा को थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, थोड़ा सा यू नो ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, नो प्रॉब्लम, या या नो प्रॉब्लम, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ऐसे बोल सकते हो आप। When will Karan bhai play in ISL? Hopefully next season. Karan bhai bolenge Sanish bhai. I try bro in July pre-season. Yeah. I try in July, and it reveal in September month I am selected or not. So you wait bro for the decision. And keep praying that Karan bhai you know, gets in the team. Thank you bro. Thank you so much. Karan bhai next time BFC join karna full support. Hamara Arvind bhai. बेंगलुरु एफसी के अल्ट्रा है तो शॉर्ट शॉर्ट ब्रदर, आई ट्राई, आई आल्सो ट्राई देयर, ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस, आई ट्राई देयर। राइट विंगर राइट फुटेड, हाउ गुड आर योर क्रॉसेस? माइंडेड बाय पूछ रहे हैं हाउ गुड आर योर क्रॉसेस, यू सी इन YouTube ब्रो, देयर आर मेनी वीडियोस, सो माय ड्रिबलिंग क्रॉसिंग, आई एम बोथ फुटेड प्लेयर, आई यूज बोथ फीट, राइट एंड लेफ्ट बोथ। अच्छा दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। Yeah, I think a modern day fullback has to be quick, has to use his both the foots, and also I think you know क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा dribbling aspects भी रहना चाहिए, थोड़े से वो क्या बोलते हैं attacking triads भी बहुत अच्छे होने चाहिए, not only the defensive triad, so it helps his game. Yeah, it is help a lot. भाई जो सर बोलना कब बंद करेगा, हर बात में सर सर सर. I think that's what a conversation हरी भाई कल मेरी और जब भाई की कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो जब सर बोल रहा था ना मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था यार मत बोले यार मैं भाई, मुझे भाई बोलना चलेगा, बट सर आई थिंक, बट आई थिंक फ्रॉम एमपी एंड फ्रॉम आल्सो आई थिंक हिमाचल प्रदेश, आई हैव सीन पीपल ऑलवेज दे यूज सर, मतलब वो तहजीब वो रखते ही है, सर बोलते ही है वो, उनको कितना भी मना करो सर निकल ही जाता है, अभी भी मैं आपको भाई बोल रहा हूँ, कभी सर बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से ही वो निकल रहा है, वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। अच्छा ये बोल रहे हैं कि हेलो भाई मैं खांडवा से हूँ, खांडवा इज इन एमपी? या यस, इंदौर से हूँ ब्रदर, इंदौर। अच्छा एक एमपी का लड़का तो इंडिया सीनियर टीम में चाहिए। बाय द वे आई एम फ्रॉम सियोनी दीक्षित भाई, अच्छा सियोनी ये सब एमपी से, मैं भी दीक्षित हूँ, कहाँ पे, मैं भी दीक्षित हूँ।
आकाश मिश्रा एंड निशु कुमार फ्रॉम यूपी. आकाश मिश्रा इज फ्रॉम यूपी एंड निशु कुमार इज ऑल्सो फ्रॉम यूपी. कौन से क्लब में आना चाहेंगे ये भाई? अभी तो मतलब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ में लिंक हो रही है, सितंबर में ही मालूम पड़ेगा. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के एक ही के साथ ट्रायल फाइनल हुए कि दूसरे, जैसे आप बोल रहे ओडिशा का, तो ओडिशा का तो कोई सीन है कि नहीं सर? ओडिशा का था, बट जो जोसेफ गंबाव कोच है वो खुद ही क्लब उनने छोड़ दिया ना सर, तो मेरा वहाँ ट्रायल मिलने का चांस कम है, अब कम है, क्योंकि कोच ही कॉन्टेक्ट में नहीं है ना सर. इफ कोच ने मुझे बोला है कि इफ मैं कोई दूसरे क्लब में गया तो मैं तुझे बुलाऊंगा तो सही, क्योंकि उनको सर मैं पता नहीं क्या इतना अच्छा लगा, बट उनने बोला मैं चांस तो दूंगा. चलो बढ़िया. नहीं वैसे भाई जोसेफ गंबू इज अ वेरी गुड कोच, अच्छा कोच. एक्चुअली आई थिंक जोसेफ गंबू इज वन ऑफ द कोचेस जिसने इंडियन प्लेयर्स को ब्रेक दिया है, बहुत अच्छे अच्छे इंडियन प्लेयर्स को ब्रेक दिया है. ही सपोर्ट मेनली यंग प्लेयर्स. यस यस एग्जैक्टली. या भाई यूपी माधुरी दीक्षित का कोई लगते हो क्या? नहीं ना ब्रदर भाई, आप नो ब्रदर. गाइस मैं थैंक यू बोलता हूँ आप दोनों से मेरे भाई का इंटरव्यू लेने के लिए. अच्छा अरे हमारा काम है अभी, हमारा काम है अभी ये, हम लोग ट्राई कर रहे हैं जितने से जितने, जैसे हमारे करण दीक्षित जैसे भाई लोग हैं, सबको यू नो लाए ये प्लेटफॉर्म पे, अपनी कहानी बताएं, तो जो दूसरे लोग देख रहे हैं जिसको बनना है फुटबॉल प्लेयर इन फ्यूचर, वो उनको थोड़ा देख के इंस्पिरेशन. नहीं इसमें इसमें मैं एक बात बता दूं मुसीर भाई, एक बात ये भी होती है कि हम सबको एज ए फुटबॉल फैन हमको लगता है कि सब कुछ मतलब ये लिंक आया ये सारी चीजें हो गई, लेकिन जो ये करण भाई ने अपनी स्टोरी बताई ना, इससे काफी ज्यादा पता चलता है कि भाई प्लेयर किस माइंड सेट से गुजरता है, जैसे भाई प्रेशर केस कितना रहता है क्लब का, क्योंकि हमको ये लगता है कि चलो भाई इंडिया में तो फुटबॉल का उतना सीन नहीं है, तो यहाँ तो पूरा क्या बोलते हैं सारा ऐसे ही फ्लो फ्लो में चलता होगा, यहाँ तो क्या कोई उतना कोई दिक्कत आती नहीं होगी, लेकिन भाई यहाँ पे भी आप देखिए प्लेयरों को जिस कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है, ये काफी ज्यादा दिक्कत है, जो मतलब वो खुद प्लेयर ही बता सकता है जो उसमें से गो थ्रू हुआ वो. तो आई थिंक ये इसीलिए जरूरी है ऐसी स्टोरीज को भी लाना, सिर्फ हम वैसे ही परफॉर्मेंस की बात करते रहे और हम एक्सपेक्ट करते रहे कि भाई इसने इस मैच में वो कर दिया नहीं कर दिया, तो ये बात थोड़ा सा फैन भी थोड़ा सा इवॉल्व होते हैं, वो वाली बात है. बात तो सही है. मैं जब वहां से यूक्रेन का जब ऑफर सर वायरल हुआ इंडिया में कि कोई करण दीक्षित को बुला रहे हैं, तो देन मुझे 5-6 यूट्यूब चैनल से आया कि वी वांट टू मेक योर बायोग्राफी, मतलब मैं कोई ना फेमस हूँ ना मैंने आई लीग में डेब्यू भी नहीं करा है बिकॉज ऑफ माय इंजरीज, एंड ISL में मैं जाने के लिए अभी फाइट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को खेलना है, इट्स माय मतलब घर का भी ड्रीम था वो एंड दादी का भी ड्रीम था, एंड देन उसके बाद रिवील हुआ, उसके बाद मेरे को जिस चैनल का लगा कि नहीं करना चाहिए तो मैंने उसको सिर्फ शेयर करा सर, एंड देन उसने 10 days में तो पूरी बायोग्राफी ही सर उसने यूट्यूब पे वायरल कर दी. अच्छा. एंड देन उसके वीडियो सर मुझे बहुत हेल्प हुआ और अभी भी हो ही रहा है, एंड देन आई आल्सो थैंक्स हिम. अर्जे कार यूट्यूबर का नाम है सर, एंड ही इज आल्सो अ वेरी गुड गाय. अच्छा मतलब ये सर विल श्योरली ट्राई टू कोलैबोरेट विद हिम आल्सो इन फ्यूचर, व्हाई नॉट, तो जरूर उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे. And then sir, नासिर जैसा ही है, वो भी बढ़िया है कि नासिर अलग ही लेवल का इंसान है सर. नहीं देखो ऐसा होता है ना, देख यू मीट समवन हु हेल्प्स यू आउट अ लॉट इन योर बैड टाइम्स, तो वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, हो जाता है. आई थिंक नासिर भाई को बिग शाउट आउट्स टू हिम, इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं विद यू एंड ऑल्सो, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. असद भाई बोले मूसा भाई वेर इज एट UTHQ गुआन. अरे आप अगर शक्तिमान देखते थे उसमें गंगाधर होता था ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो ये वही चैनल है, डोंट वरी, ये कुछ चेंज नहीं हुआ है. हां सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है. योर चैनल इज गुड ब्रदर, योर चैनल इज गुड, रियली गुड, थैंक यू सो मच ब्रदर. आपका मुसाफिर नाम है ना, एंड आपका ब्रदर हिरेन नाम है मेरा, हिरेन. या हां यस यस ओके ओके ब्रदर. What do you think about new takeover broadcasting rights by Viacom? I think it's a cool move. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. हाँ दीक्षित करण भाई आप क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं मैं बोल रहा था कि थैंक यू सो मच इंटरव्यू लेने के लिए, it really means a lot. अरे भाई ऐसे it's really a pleasure कि हम लोग यहाँ पे बैठ के आपको आपके बारे में हम लोग जान और भी जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम लोग आपके साथ में बैठे हैं, जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे आप हम्बल हो,
इट्स समटाइम्स हार्ड इन यू नो स्पोर्ट लाइक फुटबॉल, आपको थोड़ा सा यू नो ग्राउंडेड रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो चढ़ जाती है सर पे, हो जाता है। सर नॉट ओनली फुटबॉल, करता भी हूँ, आपकी बात सही है ब्रदर, बट ये कि मैं क्या कुछ ज्यादा ही लोगों से वो हो जाता हूँ ना सर, तो लोग बाद में फायदा बहुत उठा लेते हैं। जैसे कि कुछ लोगों से बात करा था मैंने बीच में कि मैं ट्रायल दे रहा हूँ, तो उन लोगों ने सर ऐसा रिवील कर दिया बाहर कि मैंने क्लब के ओनर से बात करी है, ऐसे ही जा रहा हूँ, तो सर इसके बाद से आई चेंज माई माइंड सेट अबाउट दैट, बिकॉज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट आपको सही टाइम पे भाई नो बोलना आना चाहिए, कभी कभी भाई नो बोलना पड़ता है, वो वाली चार्ज आप मतलब वो इतने भी अच्छे मत बनो कि भाई वो हो जाएगली। मुझे नासिर यही समझाता है कि इतना भी अच्छा मत बन कि तुझे ही बाद में प्रॉब्लम हो। चाहे भले ही कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो क्या है कि फिर आप अपना जो क्या बोलते कि आप जिस वैल्यूज पे जीते हो वो फिर वो लेट डाउन हो जाती है और उसमें मजा नहीं है भाई, अपने आप को सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को पहले फर्स्ट रखना पड़ता है। अगर अपन दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हमेशा दुखी रहना है सर। एंड लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे सर, इज पार्ट ऑफ द लाइफ। एक दिन अच्छा जाएगा, एक दिन नहीं जाएगा। सर मुझे क्या सपना आ रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा वो भी खड़े खड़े, तो ऐसा नहीं सर, इस लाइफ है। और मैं इसीलिए सर रियलिटी में मैं हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलता हूँ और जीता भी ऐसा ही हूँ। फ्यूचर का सोच के सर कोई मतलब नहीं है। बात तो सही है, बस एवरी डे लर्न करो आगे, हर दिन अगर 100% देंगे तो कुछ होगा। अब यहाँ सर प्लेयर्स आते हैं मुझसे बहुत सारे सीखने के लिए भी आते हैं, मैं सिखाता भी हूँ इवनिंग में, बट उनका सर ऐसा कि पेशेंस लेवल बहुत कम है। 8 महीने सीखा रिजल्ट नहीं मिला तो बोलते भैया पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला यार तुम बेसिक एजुकेशन भी लोगे तो 12 साल एजुकेशन के और 4 साल डिग्री के, 16 साल तुमको माफ भी देने पड़ेंगे एग्जैक्टली। और अगर आप इफ फुटबॉल इज योर पैशन तो फिर कोई रोक नहीं सकता, अगर माइंड में आपका गोल क्लियर है तो हाँ। कि मुझे यही करना है, मुझे प्लेयर ही बनना है। और अगर आप स्ट्रांग मेंटेलिटी नहीं है तो फिर एक लेवल तक जाओगे और देन कोई भी क्लब बाहर कर देगा। स्ट्रांग मेंटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सर क्लब में, क्योंकि प्लेयर्स भी एक दूसरे से जलते बहुत है, ग्रुप से जलते हैं, फैन बेस से जलते हैं। वो तो क्या बोलते हैं करण भाई, वो तो ह्यूमन बीइंग है, तो वो तो चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो वो नेचुरल आता ही है। कल मैं ऐसे ही देख रहा था, मैको का मैसेज बहुत आ रहे हैं तो कि मेरा ये रिवील हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में ट्रायल मिला है, तो मैंने कल ऐसे ही ओपन करा रिक्वेस्ट जाके, तो सबसे पहले ब्रदर का मैसेज देखा मैंने, तो मैंने देखा ये मुझे इंटरव्यू का ऑफर दे रहे, तो मैंने इनको कल ही बोल दिया कि मैं बात करके बताता हूँ, तो मैंने इसलिए आज ही कर लिया। ये संडे बोल रहे थे बट मतलब नहीं सैटरडे को मैं फ्री हूँ रात में, तो इन्होंने बोला 8:30 इट इज ओके, मतलब श्योर ब्रदर व्हाई नॉट। नो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप एकदम से रिप्लाई कर दोगे, बिकॉज़ आई वाज लाइक सीरियसली आई वाज थिंकिंग अबाउट यू नो टॉकिंग टू हैरी एंड यू नो देन वी विल लेट यू कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद आई अप्रोच यू, बट सडनली पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आएगा, जस्ट मैसेज यू एंड देयर वाज अ रिप्लाई फ्रॉम यू लाइक हां करते हैं फिर, instead of making a video on you let's bring you to the you know kya bolte live stream and seedha live hi baat karte hain, you know kabhi kabar kya hota hai video dikh jati hai kabhi kabar nahi dikhti, but live mein kya hota hai sab log dekhte hain, sab log aapko matlab live mein dekhte hain, live mein jante hain ki bhai ha jo offline you know offline jaise hai wo live bhi aise hi hai, to wala scene ho jata hai na, so that's why थोड़े से कमेंट लेते हैं हम लोग। UTHQ will always be remembered, अरे हाँ यार लेजेंडरी लेजेंडरी UTHQ। Which English club do you support? अच्छा, I want to know कि आप इंडिया में कौन सा क्लब सपोर्ट करते हो and also इंडिया में यूरोप। हाँ मैं सर आई लीग में उसको सपोर्ट करता हूँ, राजस्थान यूनाइटेड। अच्छा एंड आईएसएल में मैं सर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ, एंड सेकंड टीम है मुंबई सिटी एफसी। अच्छा एंड व्हाट अबाउट यूरोपियन लीग्स इफ यू वॉच एनी? बार्सिलोना इज माय फेवरेट बिकॉज ऑफ मेसी, बट इफ ही प्लेज इन द क्लब पीएसजी सो आई स्विच माय माइंड आल्सो बिकॉज़ मेसी जहां अपना माइंड वहां। नहीं नहीं अभी नहीं हिरन भाई, अभी नहीं, माइंड चेंज नहीं करना है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। या तो वापस आ रहा है भाई। हां हां ब्रदर श्योर। एंड मैनचेस्टर सिटी अच्छा लगता है, देन उनका जो कोच है पेप गार्डियोला उसका माइंडसेट बहुत अच्छा लगता है।
नहीं हुआ मेरा आधे आईएसएल में रिवील हुआ आधे आईएसएल में तो मालूम ही नहीं की मैं कौन हूँ. So, जहां पे मुझे मिला है मैं उसके लिए खुश हूँ और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और वहां के मैनेजमेंट के लिए भी उन्होंने मुझे चांस दिया एटलीस्ट क्योंकि द लेस रिग्रेट्स यू हैव इन लाइफ सो इट इज गुड फॉर यू. या टोटली दिस इज ट्रू एंड ये माइंडसेट अब अगर आप करण भाई एक एक में जी मुझसे भी मैं रोकना चाहूंगा आपको करण भाई बीच में अभी ये न्यूज आ रही थी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का क्या बोल रहे शट डाउन होने की काफी खबरें आ रही थी तो इसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि आपको ऑलरेडी ट्रायल का बोल रखा है उन्होंने. सर इसमें सच्चाई कुछ नहीं है बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस द मैनेजमेंट इज यू नो ऑल द थिंग्स आर मिक्स्ड अप नो व्हेन ऑलवेज लॉस्ट दिस सीजन. बाकी नॉर्थ ईस्ट अच्छा क्लब है और वहां के सपोर्टर्स भी बहुत अच्छे हैं बट उनका कॉन्स्टेंट लॉस हो रहा था इसलिए बहुत ज्यादा चल रहा था. बाकी सर उन लोगों के पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अच्छे प्लेयर्स को साइन करते हैं बट ये है कि जब प्लेयर का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है तो प्लेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है. इफ आई एम प्लेइंग फॉर नॉर्थ ईस्ट फॉर एग्जाम्पल एंड मैंने परफॉर्म अच्छा करा एक सीजन मेरा मार्केट वैल्यू है सर 50 लाख. इफ सामने अलग अलग मुझे बोलेगा कि हम हमको 1.5 करोड़ देंगे तो यहाँ सर प्लेयर का माइंडसेट भी डगमगा जाता है क्योंकि सर उसको वहाँ पे 1 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है ना सर. तो प्लेयर मोस्टली आप देखोगे इंडियन टीम में भी तो मोस्टली प्लेयर नॉर्थ ईस्ट से ही निकले हुए निकले हैं. क्लब से कौन कितना लॉयल है वो बात की बात है. सर ऐसा नहीं कि मुझे प्यार है इसलिए मैं बोल रहा हूँ बट नॉर्थ ईस्ट से मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट से बहुत प्लेयर्स निकले निकले. अब सर वहाँ का फैन बेस भी अच्छा है वहाँ के लोग कुछ अच्छे भी है कुछ बुरे भी है कुछ ट्रोल भी करते हैं बट सर ये ह्यूमन नेचर है आपको पता ही है. बात तो सही है. एंड देन सर बाकी ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में हेटर्स भी होते हैं लवर्स भी होते हैं और देन कुछ करोगे तो लोग सपोर्ट भी करेंगे गालियां भी देंगे. हाँ, तो मैं तो सर 13 साल में हैबिट है ये सब सुनने का बट मैं ध्यान नहीं देता सर काम है बोलना तो उनको बोलने दो. ओके अच्छा मायंक भाई बोल रहे थे मेरे तरफ से एक बार करण भाई को हाय बोल दो. अच्छा ठीक है मायंक भाई हेलो मायंक ब्रो हेलो ब्रो डिड यू प्ले फॉर चर्चिल ब्रदर्स आल्सो. बांजो पूछ रहे हैं कि आपने चर्चिल ब्रदर्स के लिए भी खेला लीग. नो नो आई ओनली प्लेड फॉर फ्रेंडली मैचेस ब्रो. जब सीजन स्टार्ट होने के 1 महीने पहले मैंने मेरा एंकल रोटेट कर लिया था सो सिर्फ सिलेक्ट हुआ प्री सीजन खेला एंड देन फिनिश्ड ब्रो. हमारे यूपी में तो कट्टा दिखाएंगे फिर सर बोलेंगे पक्का. चलो ठीक है एक यूपी से आकाश मिश्रा आ गया और अब एमपी से दीक्षित हिंदी बेल्ट से ही आने लग रहे हैं प्लेयर्स. दैट्स वेरी गुड कि जहां से ज्यादा प्लेयर्स नहीं आ रहे थे इन इंडियन टीम या फिर इन यू नो इन लीग्स तो वहां से प्लेयर्स जब आते हैं तो बहुत लोग फिर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं कि भाई हाँ मेन प्रॉब्लम क्या है सर अपने यहाँ की प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता प्लेयर्स को क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है. कोई कोच गाइड करेगा कोई नहीं करेगा. अब सर यूपी का भी यही सीन है और एमपी का भी यही सीन है कि कोचेस सिर्फ वन करने के लिए बच्चों को बुला लेते हैं भगवा दिया 1.5 घंटा बाकी जो टेक्निकल गेम रहता है सर पासिंग ड्रिल्स जगलिंग माइंड सेट स्ट्रेंथ एजिलिटी ये सब सर कोई सिखाता ही नहीं है. बस बच्चा आया उसको 1.5 घंटा दौड़ा दिया उसे 2.5 हजार ले लिए तो सर ये अच्छी बात नहीं है ना सर. इसलिए हमारे स्टेट से कोई भी प्लेयर अभी तक निकला नहीं है. सर मैं सर आकाश मिश्रा ने भी अलोन ट्रेनिंग करी होगी जब भी वो इतना अच्छा खेल रहा है नहीं तो सर यूपी से बहुत सारे प्लेयर्स के मैसेज आते हैं कि हम कैसे पहुंचे यूक्रेन तक. अब मैं उनको क्या बोलूं कि मैं कैसे पहुंचाऊं बट बहुत मैसेज आते हैं कि आप मुझे एजेंट का नंबर दे दो या मुझे क्लब की वेबसाइट दे दो इससे मुझे डायरेक्ट मेल आ जाए. चर्चिल ब्रदर्स का नंबर मांगते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट के भी मांग रहे कि आप कोच का नंबर दे दो. सर ये सब रिवील नहीं कर सकते अगर आपको जाना है तो आपको खुद को ही हार्डवर्क करना पड़ेगा. मैं हरी भाई मैं क्या बोलता थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है व्हाट यू से हम लोग खोल लेंगे कोचिंग एकेडमी कोचिंग ब्रदर देखो टू बी ऑनेस्ट इफ आपको फुटबॉल के बारे में सब कुछ पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है इसमें क्या बेसिक है. फुटबॉल में सर कोई भी ट्रायल में अपन जाते हैं तो सबसे पहले प्लेयर का माइंड सेट उसका गेम और उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है सबके प्रति यही देखते हैं. बिकॉज आई एम विद द अंडर 9s आई एम विद द अंडर 9s एफए लेवल 1 का मेरे पास ये है. आई हैव टेकन द एफए लेवल 1 में कोर्स. अभी एफए लेवल 2 मेरा चल रहा है जो कि यूफा सी लाइसेंस होता है उसका मेरा पढ़ाई वगैरह चल रही है. सो इन फ्यूचर मे बी नेक्स्ट 2-3 years आई विल बी ट्राइंग यू नो गेटिंग इनटू आई लीग 2 क्लब और समथिंग लाइक दैट एज अ असिस्टेंट और मेबी. वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? व्हिच स्टेट? आई स्टे इन दुबई. आई एम in Dubai. Yeah. Right now, I'm
he's in Gujarat. 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 Okay, you live in Dubai and he's in Gujarat. Yeah. Okay. You use personal ID or Instagram, so I can add sure. I'll send you my personal ID. Yeah, yeah, sir. Thank you. Maybe आपको reach out कर दूँगा. हाँ. Yeah, yeah, brother. और कोई सर आपके questions, brothers, doubt? Yeah, sure. I have lot of you know यहाँ पे बहुत सारे comments हैं तो उनके खत्म करके फिर we will ask you a few questions. Sure. Yeah. अरे भाई मैं सियोनी से हूँ यार मोसा भाई अच्छे से तो पढ़ा करो. I am from सियोनी under जबलपुर region. अरे sorry माना भाई. मैंने आज इसमें जल्दबाजी में पढ़ा वो सियोनी इज फ्रॉम जबलपुर आई थिंक इट्स एमपी में ही है ना ये भी जबलपुर या ब्रदर एमपी में कैसे लोग हैं सियोनी हां मोसा भाई हु विल बी द एआईएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर सीजन चांगते आईएसएल हीरो ऑफ द लीग टोरान कप गोल्डन बूट प्लेयर ऑफ द यू नो ट्राई नेशन टूर्नामेंट डिजर्विंग आई थिंक प्लेयर ऑफ द ट्राई नेशन का और ये हीरो आईएसएल का तो वही था चांगते तो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है ही इज अ डिजर्विंग प्लेयर वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर पार्थिव गोगाई इज राइट विंग ही कैन प्ले राइट विंग बैक और राइट लेकिन उसका भी मुसर पे अभी श्योर नहीं है ना वो नेक्स्ट सीजन के लिए रुके होंगे मे बी ही इज नॉट स्टेइंग नहीं नहीं ही साइन 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ब्रो एंड अभी से एक साल ही हुआ है तो 2 साल तो है उसको अभी एंड देन अच्छा प्लेयर है खेलता है वो मैं लेफ्ट विंग में भी खेलूंगा मुझे बस खेलने से मतलब है फेवरेट टू इंडियन प्लेयर्स सुनील छेत्री एंड साहिल अब्दुल समद थोड़ा सा लग दे दे भाई माइट भी दे दे मैं बताऊं आई एम रियली सॉरी भगवान भी आ जाए ना तो आरसीबी को लगने ही लगी भाई कुछ नहीं होना आरसीबी का प्लेयर्स खरीद लेते बट फॉर्म तो चलता नहीं उनका मैं इतने साल से देख रहा हूं मेरे को तो दोस्त लोग मेरे को पनौती बोलते थे बट साला वो टीम ही पनौती है जब भी मैं मैच नहीं देख रहा फिर भी हार रहे हैं दे आर बिकमिंग द स्पर्स आई थिंक या दे आर स्पर्स प्रॉपर बॉटलर्स भाई Asking bhai shout out karo mujhe acha Aizan Mardi is a very close friend of mine just say his name Aizan his name is Aizan hello bro how are you Hari bhai Musa bhai so many big collabs you guys are going places at least trying bhai trying to go some places and hope so in future we will do the same Musa bhai really 450 watching live lag to aise hi raha hai bhai thoda sa now ha टाइटल वर्क टॉप की मतलब इंडियन प्रोफेशनल प्लेयर के साथ में बैठे हैं तो लोग थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं कि भाई इसीलिए भाई मैंने बोला था आपको यूक्रेनियन वाला डालो भाई या आई थिंक बिकॉज़ राइट नाउ मिस्टर हैरी इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको लाइक YouTube हेडक्वार्टर्स के YouTube हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं अभी ऐसा समझ लो आप बिकॉज़ ही इज वेरी गुड विद द टाइटल्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड आल्सो यू नो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स हु क्रिएट्स इंडियन कंटेंट राइट नाउ तो दैट्स गुड मैं ट्राई करूंगा ब्रदर to promote in ISL but sab bhagwan ke haath mein hai main bas try kar sakta hu problem nahi hai bhai main bol raha hu jaise aap hard work jaise bol rahe ho ki aapne aapke paas wo mentality hai surely I think a bit of hard work will take you over it because I have seen you play maine youtube pe dekha aapke videos thode se and I was like really like nice wo mere sir purane video the 3 saal purane jab main thoda bulky fatty hua karta tha but now I am slim acha to mera because main bigger ban jana tha to usme cardio thoda zyada hai करण भाई मैं जानना चाहता था कि अगर मान लीजिए कि आपका आईएसएल में नहीं होते तो आपका प्लान है कि आप आई लीग में भी ट्राई करोगे आई लीग में सर एक दो क्लब से मुझे ट्रायल का ऑफर है राजस्थान यूनाइटेड है श्रीनिधि डेकन है और भी एक दो क्लब्स है बट उनका भी ये कहना है कि ब्रदर आईएसएल में आ रहा है तो आईएसएल में ही जाओ ना आई लीग आके क्या करोगे
तुमको जाना है तो इतना सैक्रिफाइस करा है तो कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हें डायरेक्ट लेगा या फिर ट्रायल बेस पे लेगा, बट एटलीस्ट होना चाहिए क्योंकि 12-13 साल से खेल रहे हो और बायोग्राफी बन गई तो यू आर डिजर्व। बट सर मुझे लगता नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि कोई इतना वो रिस्पॉन्ड करेगा, पर सर नॉर्थ ईस्ट में से मिला है मुझे तो मैं इसमें ही खुश हूँ बिकॉज इन इंडिया सर बहुत सारे प्लेयर्स है जो मुझसे भी ज्यादा हार्डवर्क करते हैं बट उनका कुछ सोशल मीडिया पे आता नहीं है तो सर उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता, मतलब पीपल आपके बारे में बात भी करेंगे बिकॉज ओनली यू बिकम फेमस एंड किसी ने मेरे मुझसे कहीं ज्यादा हार्डवर्क करा हो तो उसके बारे में सर कोई रिवील भी नहीं करेगा, मतलब इट्स सैड, ये सर कड़वा है बट इट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया टू बी ऑनेस्ट। यूटीएचक्यू तो एटीके हो गया, हाँ भाई खारिज हो गया हम लोग, ही रिप्लाइड कॉस करण भैया इज वेरी हम्बल पर्सन, यस माइंग भाई, यस ही इज वेरी हम्बल। जितेन भाई सेस यू, आई थिंक वो ही इज मॉकिंग यू फॉर बीइंग अ मेसी फैन, नो नो बेस्ट डुओ ऑन यूट्यूब हैरी भाई एंड सवारे यासद भाई, यार थैंक यू भाई। करण भाई लव फ्रॉम एनयूएफसी फैन, गुड लक फॉर योर ट्रायल्स। अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, आई ट्राई माय बेस्ट टू बी देयर नेक्स्ट सीजन। बस लीग हमारा है मैन सिटी अ स्मॉल क्लब, तुम तो भाई लगे रहो, तुम बस लगे रहो, कहीं नहीं जाएंगे करण, हमारे एनएफसी के साथ ही रहेंगे। अच्छा लेट्स सी ब्रदर, आई डोंट नो भाई, रियल मैड्रिड नहीं मैन यूनाइटेड सपोर्टर हूं। अच्छा एससी 7 से मैन यूनाइटेड सपोर्टर मेरे भाई, आने वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है लेकिन उनका आपको पता ही है सेकंड टीम क्या होता है। हाँ अच्छा ऐसा ऐसा सर, करण भाई को बेस्ट ऑफ लक बोलना फ्यूचर के लिए। हाँ रेहान भाई, श्योरली थैंक यू रेहान सर, ये फुटबॉल मेटी है मेरा। अच्छा रेहान रेहान आपका भाई ये वही अकाउंट है ना 10.9k वाला फॉलोअर? हाँ सर यही है, यही है। चलो ओके सर, करण भाई को बेस्ट ऑफ लक बोलना। ओके बोल दिया मेरे भाई। मूसा भाई मैं आरसीबी सपोर्टर हूँ, बेस्ट ऑफ लक भाई ये सीजन के लिए आप लोगों को, वही बोल सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता, और कुछ ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर करण भाई को बेस्ट ऑफ लक बोलना, ठीक है बोल दिया भाई, थैंक यू ब्रो। देयर इज ओनली वन वीडियो ऑफ करण इन यूट्यूब, नहीं भाई दो तीन, आई थिंक तीन चार वीडियो है, दो तीन वीडियो तो मैंने देखा, हां मैंने देखा है, दो वीडियो है सर, दो वीडियो मैंने भी देखा था। मुझे स्ट्राइकर भेज दिया वहाँ पे, पता नहीं उसने क्या कैसे एडिट करा और डाल दिया एंड मेरा नाम लिख दिया नीचे। मुझे इतने डीएम फैन लगते हैं कि ब्रो आप फॉरवर्ड भी खेलते हो, मतलब नहीं, फिर उसने मुझे भेजा, मतलब ये फेक है ब्रो, मैंने स्ट्राइकर लाइफ में कभी नहीं खेला। हरी भाई कल मेरे स्ट्रीम पे आ पाओगे क्या 4 बजे? देखता हूँ भाई, मैं मैसेज करता हूँ मैं आपको भाई, SC7 में मैसेज करता हूँ। अच्छा राइट ब्रो, राइट ब्रो। वो CR7 फैन के ऑब्वियसली आ रहे होगा। अच्छा भाई इंस्टा आईडी दे दो उनका, इंस्टा आईडी का नाम मैं लिंक में डाल देता हूँ, करण दीक्षित डाल दो आ जाएगा भाई, दीक्षित करण 10 ब्रो, दीक्षित करण 10। अच्छा ये जो थंबनेल में जो फोटो है ना वही उनका डीपी भी है, मैंने भी ऐसे ही ढूंढा, मैंने बोला यही है। मूसा भाई कैन आई ट्रस्ट यू कॉज टुडे इज अप्रैल फूल, अरे भाई क्या मतलब क्या समझो अभी अभी तो मतलब ट्रस्ट कर सकते हो, अभी तो इतनी अच्छी न्यूज़ मतलब इनसाइडर न्यूज़ ला रहे हैं आपके लिए, तो भाई करण दीक्षित मॉडलिंग कर लो साइड बिजनेस, अरे भाई हाँ दिखने का तो एकदम मतलब है, लुक्स हैं बंदे के तो no, no, उसको व्हाई नॉट, थैंक यू नो नो, बट मॉडलिंग यार ब्रो, मेरी सिस्टर ऑलरेडी मॉडल है तो मेरा मन नहीं है मॉडल बनने का। अच्छा आई थिंक सो एचपी से एंड एमपी से मॉडल्स बहुत निकल के आते हैं। सर यहाँ पे मेन क्या है ना मध्य प्रदेश में ब्रदर की, यहाँ लोग मेन खाते हैं और बेचते हैं और घूमते बस। अच्छा यहाँ स्पोर्ट्स का लेवल जीरो है एंड देन गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे कैफे जाएंगे फिर देन बस वही है, अपन अकेले बैठ गए तो आके पूछे तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, मतलब सर इंदौर का लैंग्वेज बहुत अलग है। अलग है हाँ, और इंदौर में भाई काफी ज्यादा गुजरात के भी जो कच्छी पटेल और वो सारे भी काफी सारे है इंदौर में, बहुत बहुत फेमस है फूड, मेन फूड के उससे बहुत फेमस है इंदौर एंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इसको मिनी बॉम्बे बोलते हैं लोग। हाँ मिनी बॉम्बे बोलते हैं,
आई थिंक आप दोनों को एक बार आना चाहिए इंदौर, आई थिंक श्योरली श्योरली इफ यू आर मेरे फादर अभी रिसेंटली एक दो मंथ पहले ही आए थे इंदौर. ओ अच्छा, अच्छी है इंदौर आके आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्लीनेस्ट सिटी है ना. क्लीनेस्ट सिटी. मुसा भाई आप जब क्या बोलते हैं अगस्त में आने वाले हो ना, आप कब आने वाले हो? मैं जुलाई अगस्त में आऊंगा. हां जुलाई में आ रहे हो ना, तब जाएंगे हम. अरे जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे. और आप लोग आइए. एनएफसी के लेफ्ट विंग और ज्योतिन एमएस है, आपको उसकी जगह पर खेलना है. अच्छा महेश भाई अभी से मतलब डिसाइड करके रह गए हैं कि कौन सी पोजीशन पे, करण भाई को कहां पे खेलना है, कौन सी पोजीशन पे खेलना है. मैं राइट बैक लेफ्ट बैक खेल लूंगा, सेंटर मिड खेल लूंगा, अब तो फॉरवर्ड भी खेल लूंगा. वीडियो भी बनाया लोगों ने फेक, मुझे बस खेलने से मतलब है और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को किसी के प्लेस लेनी है. अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं. आरसीबी को सारे लग रहे तो दे विल स्टिल नॉट विन. हां भाई झाड़ फूक करवाए तो भी नहीं जीतेंगे वो लोग. आप सेंट्रल मिडफील्ड पर खेल लेना, मिडफील्ड में कोई नहीं है. हाँ थोड़ा सा आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मिडफील्ड में थोड़ी सी मार खा रही है. तो एक जगह है जहाँ पे यू नो लेट टू ब्रदर्स. आई जस्ट ट्राई बिकॉज़ मुझे नहीं पता जो फॉरेनर कोच आएगा उसको मेरा गेम अच्छा लगे नहीं लगे, क्योंकि सबका यू नो डिफरेंट चॉइस होता है. किसी को टेक्निकल गेम पसंद है तो किसी को प्रेसिंग गेम पसंद है. वो भी कोच चेंज कर रहे हैं ना आई थिंक. हाँ उनका विंसेंजो कोच को उन लोगों ने कब से ही वो कर दिया. अभी फ्लॉइड पिंटो है जो सुपर कप में टीम हैंडल करेंगे. फ्लॉइड पिंटो का कोच होते हैं. हाँ नेपाल का हुआ है. हाँ विंसेंजो. तो अब जो न्यू कोच आएगा शुभम रावत जो असिस्टेंट कोच होने वाला, जो न्यू कोच आएगा ना वो देखेगा तुम्हें. मैं तो रिजर्व टीम का कोच हूँ तो मैं सिर्फ यहीं तक सपोर्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं सपोर्ट नहीं कर सकता. अच्छा नहीं आई थिंक. और वो उसकी रिजर्व टीम में वो था उसको जिसको एएफसी ए लाइसेंस मिला है रिसेंटली, वो कौन था उसका नाम क्या? शुभम रावा का ही बोल रहा हूं सर मैं. वही है शुभम रावा. वही है भाई. मैं मुसर में आपको बताया था ये एक दिन हमारी कन्वर्सेशन हुई थी तब मैंने बोला था आपको कि आसाम से कोई एक नॉर्थ ईस्ट के जो रिजर्व टीम में था उसको एएफसी ए लाइसेंस मिला है. अच्छा अच्छा हां ओके. वही सेम कोच है जो आपको मतलब जिसने आपको बुलाया फॉर ट्रायल्स. हां मैंने उन्हें बस अपना सीवी भेजा एंड देन मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ से हूँ या ऐसा प्रॉपर नहीं होता है. तो उनने बोला कि ट्रायल में आओ, 5 days या 6 days का रहेगा और इतना खेले हुए हो तो मेरे हिसाब से तो सिलेक्ट हो जाना चाहिए. बट जो न्यू कोच साइन होगा वो मेन डिसाइड करेगा कि क्या है. और बोलते तुमको ऐसा डरने की जरूरत नहीं, तुमको बस अपना नेचुरल गेम खेलना है टू बी ऑनेस्ट. पर इन ट्रेनिंग में अपने आप को प्रूव करना है कि फिटनेस कैसा है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम प्लेयर्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो. तो देन से मेरा फ्रैंक नेचर तो है ही, अब वहाँ के प्लेयर्स का कैसा है वो सर वहाँ जाकर पता चलेगा मुझे. I think Anwar Ali is the number one player in India currently. If you look at center back, he is the one of the best, I think. And I think थोड़ा सा I think Karan bhai as a football player, ठीक है हम तो यहाँ पे बैठ के उनको देख रहे हैं, हम यहाँ से उनको analyze कर रहे हैं. But as a football player, how modern is Anwar Ali? If you see European football भी आप follow करते हैं, आप देखते रहोगे. So if you look at Anwar Ali and what do you think about center backs and ki unki kitna modern unka game hai, kitna acha unka game hai if you compare them to the other center backs. Anwar Ali sir is complete player. Matlab sir wo aage aake attack ko bhi support karta hai, then free kicks mein bhi wo score kar deta hai sir. Ha. Aap uske videos dekhna and usko beech mein heart disease problem bhi hua tha. Yes. उसको मना कर दिया था सबने कि हम तेको नहीं खेलने देंगे. वो AFF ने भी उसको 2 साल तक बैन कर दिया था. बट स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ वो आया, FC Goa ने उसको साइन करा, उसने अपने आप को प्रूव करा एंड देन अब वो 4 साल के लिए 11 करोड़ में ATK मोहन बगान साइन कर रहा है. Yes. तो आई थिंक मेंटली ही इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड मेरा उससे बातचीत नहीं है पर्सनली. बट हाँ वो भी मेरे ऐसा फ्रेंक इंसान ही है, बात करूंगा तो वो भी कर ही लेगा मुझसे बात. बट ये है कि ही इज गुड प्लेयर. इज सेंट्रल बैक के हिसाब से तो इंडिया में बहुत अच्छा प्लेयर है वो यंगस्टर्स में. बाकी संदेश जिंगन से अच्छा तो अभी मेरे हिसाब से अच्छा सेंटर बैक कोई नहीं है इंडिया में. बट आई थिंक इफ यू आस्क माय ओपिनियन, मैं अनवर अली को बहुत हाईली रेट करता हूं बिकॉज़ ऑफ उसका मतलब मॉडर्न, एक बोलते हैं ना आप एक स्वीपर टाइप में खेलता है, फिर एक मॉडर्न सीबी टाइप में खेलता है. He carries the ball into the midfield and also like you said ki unke free kicks bahut acche because I remember usne Argentina ke sath mein long free kick score kiya tha 35 yards. Yeah. जो हुआ उसके साथ में रिगार्डिंग द हार्ट डिजीज वॉज रियली नो हार्ट रेंचिंग. बट आई होप कि जो मेरे को उसने जो कमबैक किया नो वन एक्सपेक्ट कि भाई ऐसा होने के बाद भी वो बंदा इतना मतलब तगड़ा खेलेगा. इफ यू लुक एट ट्राइनेशन कप जो हुआ इन मणिपुर, मी एंड हरी भाई हम लोग बात कर रहे थे, देर वॉज वन मोर प्रोफेशनल प्लेयर सिटिंग विद अस. आपको पता होगा श्रीमान रणवीर के बारे में, वो केम फ्रॉम या. So he was also very impressed ki bhai the
द वे ही वॉज यू नो पुलिंग द बॉल्स आउट एंड वो अच्छे पासिस दे रहा था. तो आई थिंक इन करंट सेटअप बहुत अच्छा प्लेयर है. हाँ सर, उसे ट्रायल आई थिंक केरला ब्लास्टर्स ने ट्रायल दिया है, मुझे नहीं पता कब है पर ट्रायल उसको मिला है केरला ब्लास्टर्स ने उसको ट्रायल. हाँ हाँ, उसकी हमने स्टोरी कवर की थी 3-1 रणवीर की. एंड उस ट्रायल दिया नहीं उसने, वो सीन कुछ अलग हो गया, मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए, इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो गया उसके साथ. वीज़ा प्रॉब्लम की सिटीजनशिप प्रॉब्लम हो रहा है उसको. नहीं नहीं अभी तो उसका मतलब सिटीजनशिप का चल रहा है, चक्कर चल रहा है उसका. आपको तो पता है इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं रिगार्डिंग पासपोर्ट एंड स्टफ लाइक दैट. बहुत प्रॉब्लम होता है, देन इसलिए मैंने भी बाद में डिसाइड करा इफ यूक्रेन नहीं जाता हूं तो इंडिया में ही खेलना है. हां, मेरा फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होते हैं इसलिए. होप टू सी यू. या होप टू सी यू इन इंडियन क्लब्स करण भाई, यू आर एन इंस्पिरेशन, कीप गोइंग. सनीश भाई बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. सो मूसा भाई, व्लॉग्स इनकमिंग टोटली भाई, टोटल ऑन ग्राउंड से व्लॉग्स आएंगे. अभी थोड़ा सा वो दिमाग वहां पे है कि कोचिंग वगैरह चल रही है, तो जरूर ग्राउंड से थोड़ा सा यू नो टैक्टिकल व्लॉग्स आएंगे. आई विल सी टू दैट. थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है यार, थोड़ा हमारा एडिटिंग थोड़ा सा भाई, हमारा एडिटिंग गेम थोड़ा सा वो नीचे है भाई, नहीं तो भाई हम फाड़ देते भाई अभी तक. थोड़े बड़े हो जाने दो, फिर किसी को रख लेंगे. सही बोल रहा है, रख लेंगे. ये एडिटिंग में हमारा टाइम चला जाता है भाई, नहीं तो भाई सीरियसली बहुत टाइम चला जाता है. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में सब मार खा रही है, उनके फैंस भी तरस आता है. हाँ, थोड़ा सा खराब चल रहा है उनका टाइम, खराब चल रहा है. एंड आई थिंक प्रॉब्लम्स वही है, स्काउट्स को लेके प्रॉब्लम्स है उनके, एंड जो उनकी हायरिंग रही है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है. बट आई थिंक करण जैसे प्लेयर अगर वहाँ पे जाएंगे थोड़ी वो मेंटेलिटी लेके कि हमको जीतना ही, हमको निकालना ही है मैच, तो वैसे थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं. लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है. सुपर एक्साइटेड फॉर द 23-24 सीजन, श्योरली एक अच्छा सीजन निकल जाएगा. बस नॉर्थ ईस्ट मिडफील्ड जोसेबा, प्रज्ञान एंड इरशाद इज प्योर शिट. I don't said anything, bro. I'm blank. Karan Dixit will become okay. क्योंकि संदेश झिंगन की तारीफ की. अच्छा okay okay. संदेश झिंगन की आपने तारीफ की तो भाई. हाँ. तो बता है. I think the kind of game and speed Anwarli has, he can play in any position other than goalkeeper. Yeah, totally. He can. Yeah. Sure. महेश सिंह का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. रहा है नेशनल टीम की तरफ से. हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत गुड, ही इज गुड. भाई एडिटिंग इज इजी बट इट्स टाइम टेकिंग. एग्जैक्टली असद भाई की बहुत टाइम लग जाता है यार, मतलब एक बैठे तो मतलब समझ नहीं जाएगा कि 2 घंटा किधर चला गया. 5 मिनट का वीडियो बताया बस. हां सर, हमें भी 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है, टाइम का पता ही नहीं चला मुझे. आप लोगों से एग्जैक्टली आई होप आपके पास थोड़ा सा और मतलब 10-15 मिनट्स है. तो नो प्रॉब्लम ब्रदर. नहीं आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं करना कि रात भी हो गई हो वहां पे तो फिर. नहीं हेलो मूसा भाई, हेलो हरि भाई, हेलो भाई, हेलो भाई, कैसे हो यार, कैसे हो. संतोष ट्रॉफी में खेलते हैं करण भाई. संतोष ट्रॉफी में खेला, कुछ चांस मिला संतोष ट्रॉफी में खेलने का स्टेट से. संतोष ट्रॉफी में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वो चल रहा था तो मैंने ट्राई करा, बट वो बोलते हैं आपको चर्चिल ब्रदर्स छोड़ना पड़ेगा, वहां से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. मैंने उसमें बहुत ज्यादा लफड़ा था तो मैंने सर रिवील नहीं किया उसको. और उसका अच्छा. खेलने का पहले बेनिफिट होता था बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब, बट अब ऐसा नहीं है. इफ प्लेयर अच्छे लेवल पे खेला हुआ तो सर संतोष ट्रॉफी की इतनी वैल्यू नहीं होती. तो आई ट्राई इन 2019 बट देयर इज नो ग्रोथ ब्रो. Yeah. भाई इस सर्जियो रोबेरा कमिंग टू इंडिया, 3 क्लब से तो बात चल रही है भाई. लेकिन अब उसको डिसाइड करना है कि इंडिया आना है कि नहीं. आना है नहीं आना, बिकॉज़ आई थिंक ईस्ट बंगाल अगर आएगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा. काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ये हो जाएगा क्या, एक कल्ट हीरो हो जाएगा अगर वो ईस्ट बंगाल को ऊपर लाता है. बिकॉज ईस्ट बंगाल के फैंस भाई जैसे भावुक है अपने टीम को लेके, आई थिंक अगर वो अच्छा करे वहां पे तो Everything is different. अच्छा, हेलो पीपल बोल रहे हैं कि हेलो भाई, आप तीनों शादी कर लो आप आपस में, बिकॉज़ वो है काफी कंपैटिबल हो एक दूसरे से. We are boys, bro. अरे भाई भाई है भाई, क्या करें. अब अच्छा ये तो ले लिया मैंने. मूसा भाई कभी बुलाए हमें भी. अरे जरूर की क्रिस भाई, व्हाई नॉट, ऑलवेज यूनाइटेड. क्या बोलते हैं उसको, सिटी फैंस. हां सिटी फैंस है. Always united मेरे भाई. ISL के coaches consistent क्यों नहीं रहते, हर साल change होते रहते हैं, long term में क्यों नहीं दिखते ISL teams.
वो चेंज हो जाएगा भाई, नेक्स्ट सीजन से चेंज हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे कोचेस को लॉन्ग टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं. प्रॉब्लम यही था कि परफॉर्मेंस बेस्ड लीग हो चुकी थी ISL, इट वॉज नॉट अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यू नो लीग, बट नेक्स्ट ईयर से ये सब चेंज हो जाएगा. यू नो जब से वियाकॉम आना स्टार्ट अंदर आएगा तो बहुत कुछ चेंजेस आपको दिखने मिलेंगे. अरे यार कैसा डॉर्टमुंड ने कैसा गोल खाया भाई, कीपर ने क्या होलर किया. बायर्न वर्सेस डॉर्टमुंड प्रेडिक्शन भाई, आप पूछने से पहले गोल खा लिया तो अभी क्या प्रेडिक्शन. कैसा गोल खाया भाई, कीपर की क्या गलती. अरे यार अंधा कीपर साला. कब तक चलेगा लाइव भाई? अभी एक 10-15 मिनट चलेगा, उसके बाद हम लोग फिर फारिग हो जाएंगे. आपके तो मजे होंगे आज. वी आर देसी बॉयज. हाँ हेलो पीपल भाई, वी आर देसी बॉयज भाई, देसी बॉयज. हेलो हरि भाई, हेलो मुसा सर. अरे रेहान ब्रो, भाई डिड यू सी आर्सेनल गेम टुडे? असद भाई हम लोग वो लोगों को नहीं देखते यार, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रखते हम लोग आर्सेनल में देखने को, इंटरेस्ट नहीं रखते. जब कुछ मजा आएगा तो देखेंगे. वो क्या वन साइड मारेगी तुम्हारी टीम, फायदा नहीं है. ड्राफ्ट सिस्टम गुड आइडिया फॉर ISL? नो वेज. ड्राफ्ट सिस्टम लाओगे तो फिर भाई NFL NBA हो जाएगा अपना ISL. IPL ही करवा लो फिर. हाउ मच इज ISL गेटिंग फ्रॉम Viacom फॉर मीडिया राइट्स? अभी तक रिवील नहीं हुआ ये चीज, अभी तक ये रिवील नहीं हुई है, बट श्योरली जल्द से जल्द रिवील होगी एंड वी विल टॉक अबाउट इट. विदाउट हालैंड भी पेल दिया. हाँ भाई, मैन सिटी टीम इज लाइक क्या बोलते हैं, अलग लेवल की टीम है भाई वो. मतलब उनको आई थिंक हालैंड एक एडिशन है बस. इट वाज जस्ट एन एडिशन. दे हैव अ वेरी गुड टीम, फिनिशर है बस, और कुछ नहीं है सर. हाँ भाई, वी आर लाइट आ रहा है इंडिया में नेक्स्ट सीजन से. यस यस महेश भाई, वी आर लाइट. सुना है इस बारे में, सुना है. या ग्रिलिश, ओके. हरी भाई आपके कोच क्वेश्चंस है तो पूछ लेना, या फिर मैं पूछ लेता हूँ कोच क्वेश्चंस. बस नहीं नहीं, मेरे तो हो गए सारे क्वेश्चन अभी. दो क्या दूसरी बार के लिए भी थोड़े से बचा के रखते हैं. अच्छा फिर भाई को अब डायरेक्ट वो क्या बोलते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में सिलेक्शन होगा ना तब करते हैं भाई. श्योर भाई, श्योर श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम. तो बिफोर वी रैप अप दिस स्ट्रीम, यू नो करण, आई जस्ट वांट You, you know, क्या बोलते हैं उसको, एक आपसे जानना चाहूंगा जरूर कि what is your future plan and also where you see yourself, like क्या करना है अभी आपको, मतलब notice को sign करने के बाद एक position आपको hold करनी है, या फिर you want to keep play की अगले दूसरे positions पे आपको खेलना है, या फिर नहीं right wing back, right back में मुझे खेलना है, क्योंकि you have to go to the Indian team also, you will try for the Indian team also, कि ऐसा हो जाएगा multiple position खेलेंगे तो मतलब उतना मजा नहीं आएगा, एक position ही मुझे रखना है. तो सपोज आपके जैसा कोई और भी कंफ्यूज है अभी, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है फुटबॉल खेलना, उसको पता नहीं है कि वो स्ट्राइकर खेल लेगा, अटैकिंग मिडफील्डर खेल लेगा, राइट बैक खेलेगा, सेंटर बैक खेलेगा, या ही इज अ वेरी गुड गोलकीपर, तो वो वाला चीज उसको पता नहीं है. तो आप कैसे मतलब कैसे इस चीज को टैकल करोगे? एक तो ब्रदर मेन चीज क्या है ना, कि जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो ये है कि कोच को कुछ दिखता है कि नहीं ये प्लेयर को यहाँ खिला के देखते हैं. अब जैसे जब मेरा चर्चिल ब्रदर्स में साइन हुआ था तो मैं था अटैकर, बट उन्होंने मुझे बना दिया डिफेंडर. मैं था राइट विंगर लेफ्ट विंगर, उन्होंने डाल दिया राइट बैक लेफ्ट बैक. बिकॉज ऑफ टैकलिंग मैं बॉल के ऊपर से देखते से ही कूद जाता हूँ, टैकल देता हूँ कि बस बॉल ही निकलनी चाहिए. तो उन्होंने ये एक क्वालिटी के कारण मेरा पूरा गेम चेंज करा. देन जब मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा, बस मैंने फिर अटैक खेला तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, बिकॉज सर डिफेंस से जैसा डिफेंस पोजिशन में इतना मूवमेंट नहीं होता है. राइट, एंड ये है कि To be a professional football player, coach आपको जहाँ बोलेगा आपको वहाँ खेलना पड़ेगा. If अगर आपको खेलना है तो. And then sir, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा natural position center midfield है, मुझे play making करना, पीछे set pieces बनाना पसंद है, but जब से मैं professional बना मुझे वो chance मिला ही नहीं कभी. तो ये है कि coach जहाँ खिला रहा है तो सोच समझ के ही खिला रहा होगा, तो वो जहाँ खिला रहा है अपना best देना है वहाँ पे. If मैं north east में sign करता भी हूँ, नहीं करता हूँ, doesn't matter. बट वो मुझे बोलेंगे राइट बैक खेलो, लेफ्ट बैक खेलो, तो सर मैं उनको डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज उन्होंने कुछ क्वालिटी देख के ही मुझे डिफेंस खेलने का बोला है. एंड ये है कि अगर आपको गेम से प्यार है ना तो आप कहीं पे भी खेल लोगे. और मेरे को तो नॉर्थ ईस्ट खिलाया नहीं खिलाया डजंट मैटर, बट वो जहाँ भी खिलाएंगे मैं रेडी हूँ खेलने के लिए. फिर वो डिफेंस हो, बैक हो, फॉरवर्ड हो, इट डजंट मैटर. बिकॉज स्पेन में हमको इतना सिखाया है कि आपको कौन सी पोजिशन में क्या करना है रोल. अपने इंडिया में क्या है कि प्लेयर्स को गेम पोजीशन गेम समझ में नहीं आता तो बॉल के पीछे ही भागते रहते हैं, लाइक राउंड राउंड राउंड, नो गेम पोजीशन, नो वंटर्स, नो होल्डिंग. एंड देन उन्हें बोलो तो उन्हें बुरा लगता है, बिकॉज मैंने सर खुद से ही सीखा है ब्रदर्स.
मतलब कोई सिखाना नहीं था, यूट्यूब से देखा, जज करा, देन एक दो कोचेस थे वो बस स्टेमिना ये वो, मतलब ऐसे टैक्टिकल माइंडसेटिकली खुद ने ही बना बना के अपने बिलीफ के बेस पे, थॉट्स के बेस पे। ये डिफिकल्ट होता है हर फुटबॉलर के लिए कि थॉट से इससे कैसे डील करें, बट जब अपन रियलिटी में जीते हैं तो इतना ये सब चीजों को लेके प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एवरी आवर अपन अपने माइंड में काउंट होता है कि हाँ भाई मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। जैसे अभी मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, वैसा नहीं मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में नॉर्थ ईस्ट की चीजें चल रही हाँ है। बिकॉज लाइफ में रहना है तो रियलिटी में रहना ज्यादा अच्छा, नहीं तो अपन फ्यूचर की वरी करेंगे और क्या पता जब तक लाइफ भी नहीं हो क्या हो, तो रियलिटी में जियो तो वो इट्स बेटर फॉर एवरी एवरीवन। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। हेलो अंशुन भाई, कैसे हो यार? एंड देखो, जैसे आपने बताया अभी कि कोच कोच को परख होती है कि आप कौन से पोजीशन में खेले, तो इवन दो आपके अटैकिंग एक्सपर्ट अच्छे होंगे बट कोच सी समथिंग इन यू कि आपको राइट बैक लेफ्ट बैक जैसे खिला रहा है, तो आई थिंक एवरीवन हैज टू यू नो एडजस्ट टू इट एंड उस चीज़ से वो लोग लेके आगे चलना चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी की एंड उसके बाद जो एडिशन आपने बात की वो भी वॉज लाइक सीरियसली इट्स गुड, यू नो ये फुटबॉल प्लेयर में थोड़ी क्वालिटीज होनी चाहिए यू नो गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक क्या बोलते हैं हरी भाई, लेट्स फिनिश इट हियर एंड श्योरली इन फ्यूचर ऑल्सो वी विल यू नो ट्राई टू टॉक टू करण भाई एंड वी विल ट्राई टू यू नो इंटरव्यू अगेन जब वो नॉर्थ ईस्ट ज्वाइन करेंगे या फिर कोई भी और क्लब ज्वाइन करते हैं, एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू करण भाई। थैंक यू सो मच फॉर क्रेजी क्रेजी स्ट्रीम, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन गाइस, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट खेल कॉर्नर जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे इंडियन फुटबॉल न्यूज आपको मिल रही है एंड स्टफ लाइक दैट, एंड आपको फॉलो करना है यू नो हमारे क्यूरियस हैरी भाई को, आज जो फॉलो नहीं कर रहे वो बंदों को बोल रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ देम आई थिंक फॉलो हमारे भाई को, एंड ऑल्सो चेक आउट हमारे करण भाई का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो एंड श्योरली उनको बहुत सारे मैसेजेस वहाँ पे कर सकते हो आप लोग, बहुत ज्यादा ट्रबल मत करना। तो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम।